गुड आफ्टरनून, नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपने घरों पे हैं। इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछले दो वेबिनार्स भी हमारे अटेंड किए होंगे और आपको मजा आया होगा पिछले दो दिनों में। आज हमारा तीसरा वेबिनार है। हमारा वेबिनार आज मर्दानगी और सत्ता पे होने वाला है। वेबिनार की तरफ बढ़ने से पहले मैं हमारे जो पार्टनर संस्था है फ्रेडरिक ईबर्ट स्टिफ्टुंग इंडिया ऑफिस, उनका धन्यवाद करना चाहूंगी। उनका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है इस वेबिनार के आयोजन में। तो इसी के साथ मैं शॉर्ट में आप सबके साथ आज के वेबिनार का स्केड्यूल शेयर करती हूँ। तो हम शुरुआत एक इंट्रोडक्टरी नोट से करेंगे, उसके बाद हम अपने वेबिनार की तरफ बढ़ेंगे जो सतीश जी करने वाले हैं। सतीश जी पहला 1 घंटा 50 मिनट प्रेजेंटेशन के द्वारा हम सबसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे मर्दानगी और सत्ता पे। उसके बाद आखिर का जो आधा घंटा है वो हम सवालों के लिए रखेंगे, लेकिन अगर सत्र के बीच में भी आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज बेझिझक आप उन्हें चैट बॉक्स में रखिए। चैट बॉक्स का पूरी तरह से इस्तेमाल करिए आप सभी। इसी के साथ आखिर में हमारा थैंक यू नोट रहेगा जो हमारे एक पार्टनर संस्था से होने वाला है। तो और देरी ना करते हुए मैं बढ़ती हूँ धीरू भाई जी की तरफ। तो हमारी एक पार्टनर संस्था है शिक्षा समाज अने शिक्षा कल्याण केंद्र SSKK के अमरेली, जो गुजरात में बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो SSKK से मैं धीरू भाई जी को आमंत्रित करती हूँ। धीरू भाई जी, आप म्यूट पे हैं, आपको अनम्यूट करके जी। थैंक यू अंटिका, बहुत अच्छा लगा आज आप सब लोगों के साथ जुड़ने का। तो पहले तो ये जो ब्राउन बैग श्रृंखला का आज तीसरा दिन है, तो सभी जो जुड़े हुए साथियों को मेरा नमस्कार और सभी का मैं स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। ब्राउन बैग वेबिनार श्रृंखला का ये तीसरा वेबिनार, आज हम कुछ लैंगिकता के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा जो परिचय एंटिका ने धीरूभाई कहके किया, लोग मुझे धीरूभाई कहके बुलाते हैं, मगर सर्टिफिकेट में मेरा नाम धीरज है, इसलिए शायद यहाँ मैंने धीरज मेंशन किया हुआ है, तो लोग धीरूभाई से ही पहचानते हैं, बुलाते हैं। शिक्षण और समाज कल्याण केंद्र नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन 1980 से गुजरात में काम कर रहा है, उसके साथ जुड़ा हूँ। एक और भी ऑर्गेनाइजेशन हरिराज चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हमने दोनों ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ACF के साथ, इक्वल कम्युनिटी फाउंडेशन के साथ, जैसे कि योगेश जी, अंटिका जी, सुहासिनी जी के सभी के साथ मिलकर हमने एक ट्रेनिंग किया था। तो उसका जो बैकग्राउंड है, मैं वो हमारे जो स्पीकर है के मैं बात करूंगा कि सतीश जी जो काम कर रहे हैं, तो हमारा एक गुजरात में सौराष्ट्र कच्छ नेटवर्क करके स्वाति संस्था उसको लीड कर रही थी, तो उसके साथ जुड़े थे हम। 10 साल तक हमने काम किया डोमेस्टिक वायलेंस पे। तो इसमें एक बात ये निकल कर आई थी कि हम महिलाओं के साथ काम कर रहे थे, तो उस दौरान सोचा कि क्यों ना लड़कों के साथ काम किया जाए, यूथ के काम साथ काम किया जाए। मुझे अब याद आ रहा है सतीश जी, शायद उस यूथ के साथ काम करने की बात जो थी, लड़कों के साथ काम करने की बात थी, तभी कोई एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उसमें सतीश जी एक रिसोर्स पर्सन के रूप में हमें एक ट्रेनिंग देने के लिए आए थे। तो एक बहुत अच्छा, उसके बाद सतीश जी क्या हुआ कि ECF के साथ हमने ये सब स्टार्ट किया है और अभी बहुत अच्छे से चल रहा है। जो लॉकडाउन वाला पीरियड था, तो फिर भी यहाँ गुजरात में ये दूसरी पीक के पहले का जो हिस्सा था, तो उसमें गांव में कुछ मुश्किलें नहीं थी, तो हमने 10 कम्युनिटी में एक्शन फॉर इक्वालिटी वाला एक फाउंडेशन कोर्स किया। तो अभी एक वो एक्शन लीडरशिप वाला दूसरा फेज में हम जा रहे हैं, मगर अभी जो ये दूसरी पिक के लिए रुके हुए हैं, शायद जुलाई से हम स्टार्ट कर पाएंगे मुझे लगता है। तो एक बहुत अच्छी बात है।
तो ये हुई मेरी बात और मेरे ऑर्गेनाइजेशन की बात। मैं आपके आज के जो स्पीकर्स है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। तो हमारे साथ आज हमें जो मार्गदर्शन करने वाले हैं सतीश कुमार सिंह जी, वो सेंटर फॉर हेल्थ एंड सोशल जस्टिस के वरिष्ठ सलाहकार है। वह फोरम टू एंगेज मेन जैसे लैंगिक समानता के लिए पुरुषों के साथ काम करने वाले विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक नेटवर्क के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो एक बहुत अच्छे से स्पीकर को आज हम सुनने जा रहे हैं। वह 35 सालों से एक लिंग आधारित हिंसा, पुरुषत्व, पुरुष भागीदारी और महिला सशक्तिकरण पर प्रशिक्षण दे रहे हैं। आज वह बात करने जा रहे हैं मस्कुलिनिटी एंड पावर। ये जो सतीश जी है वो आज हमें ए दो सब्जेक्ट पर हमसे कुछ मार्गदर्शन करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ शायद ये जो भारत भर से जो लोग काफी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा हमें एक नई कोई कुछ बात सीखने को मिलेगी। जो हम समानता की, जो लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, उसमें हम पुरुषों के साथ जो काम करने का हमारा जो तरीका है उसको हम कैसे बेहतर बनाए, सतीश जी से जानेंगे। थैंक यू अंटिका जी, और मैं सतीश जी के तरफ और वेबिनार को ले जाने के लिए सतीश जी को विनंती करूंगा कि वो हमसे बात करें। थैंक यू धीरज भाई, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हुई, और हम लोग एक दो बार आए थे, दिल्ली भी आए थे और वर्क ड्यूटी की थी साथ में पोरबंदर में सौराष्ट्र कच्छ महिला संगठन के लिए पूनम के साथ। तो सबसे पहले धन्यवाद ईसीएफ का इस मुद्दे पे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और इस कठिन परिस्थिति में मर्दानगी पे समझ बनाने के लिए उस पर फिर से चर्चा करने की जरूरत है। आज का एक रिलेवेंस भी बढ़ गया है, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो एक रिलेवेंस भी बढ़ गया है, वो है कोविड के कारण। हम जब बात करते हैं, ऐसा कौन सी चीज आ गई, क्या जरूरत पड़ गई कि आज मर्दानगी की बात फिर से की जाए। हम लोग जेंडर समानता पे मर्दानगी की बात जरूर करते आए हैं, लेकिन अगर कोविड को देखें, अब पिछले साल मुख्य रूप से हम इसको लॉकडाउन को देखें, तो बहुत सारे पुरुषों ने जिनकी प्रेस्क्राइब रोल जो थे, जो उनका पैट्रियार्की द्वारा प्रेस्क्राइब रोल था, वो चैलेंज कर दिया गया था। वो प्रोटेक्टर नहीं रह गए थे, प्रोवाइडर नहीं रह गए थे, और ऐसी स्थिति में वो बहुत सारे लोग जो बहुत जोखिम उठाए थे, और कई लोगों ने आत्महत्याएं की थी। तो एक तरीके से ये भी देखने की जरूरत थी कि ऐसा क्यों हुआ। साथ ही अगर हम देखें तो पुरुषों के लिए एक मौका था, और वो कितना इस पे इस मौके को उठा पाए, क्योंकि एक तरीके से घर के अंदर बंद कर दिया गया पिछले साल भी और इस साल भी, और जो जिसका पुरुषों के पास कोई अनुभव नहीं था, महिलाओं के पास बहुत सारे अनुभव थे, लेकिन पुरुषों के पास अनुभव नहीं था। जेल का अनुभव अलग होता है, लेकिन किसी भी कमरे में आपको बंद कर दिया जाए और उसकी चाबी किसी और के पास रहे, तो उसका एहसास क्या रहता है, यह कोविड में समझने का मौका मिला। तो इसलिए इसका रिलेवेंस भी बढ़ गया है, और आज हम लोग एक चर्चा में बात करने जा रहे हैं पावर, पैट्रियार्की और मैस्कुलिनिटी को। हमको पावर की तो एक प्रश्न था कि क्यों हमको पुरुषों के साथ काम करना चाहिए, क्यों मर्दानगी पे काम करना चाहिए, और हम सब लोग इससे पूरी तरीके से वाकिफ हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस काफी बड़े पैमाने पे है, और कोविड के दौरान अभी तक कुछ बहुत साफ डेटा नहीं आया है। कुछ कुछ डेटा यूएन ने दिए थे, हमारे पास कोई बड़ा अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन पुराने अध्ययन बताते हैं कि जब जब डिजास्टर हुआ है उस समय महिलाओं पे हिंसा बढ़ी हुई है, ये पूरे आंकड़े बता रहे थे, और इसलिए हम लोगों ने इसको देखने की कोशिश की। निश्चित रूप से हम लोगों ने ये भी देखने की कोशिश की कि ऐसे पुरुष जो कि किसी तरीके की जेंडर समानता के कैंपेन से, मूवमेंट से, प्रोग्राम से, प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, उनकी
क्या प्रतिक्रिया रही, उनका क्या व्यवहार रहा इस कोविड के दौरान लॉकडाउन को एड्रेस करने में, और उन उन परिवारों में महिलाओं की क्या स्थिति रही, ये हम समझने की कोशिश जरूर कर रहे थे और आगे भी कर रहे हैं। लड़कियां जो हैं बड़े पैमाने पे सामाजिक तौर पे भेदभाव का शिकार होती हैं, और इसमें केवल ये परिवार की बात नहीं है, परिवार, समुदाय, पंचायत, सरकार, सभी को देखा जाए तो किस तरीके से एक कोशिशें तो चल रही हैं जेंडर समानता को लाने के, फिर भी हम लोग अभी बहुत दूर हैं, अभी अपनी यात्रा बहुत लंबे समय तक तय करनी है। और दूसरा जो है कि पुरुषों को जोड़ने के लिए एक भी था, हम लोग 2000 में ये प्रश्न उठाए थे कि अगर पुरुष प्रॉब्लम के पार्ट हैं तो उनको सोल्यूशन का पार्ट कैसे बनाया जाए। दूसरा, पुरुष क्या ये समझेंगे, इक्वलिटी की बात करना अपने प्रिविलेज को बढ़ाने के लिए दूसरी बात है, और समानता की बात करना जिसमें खुद के पावर एंड प्रिविलेज चैलेंज होने वाले हैं, तो उस पे क्या हम काम करने के लिए एक जिसको कहते हैं इक्वलिटी का, इक्विटी का कॉन्शियसनेस शिफ्ट कर सकते हैं क्या, क्या लोगों की इच्छा संवेदनशीलता समानता को स्वीकार करने में, समानता को लागू कराने में आ सकती है क्या, क्या पुरुष जो है पितृसत्तात्मक जो जो दबाव जो महिलाओं के ऊपर है, जो भेदभाव जो महिलाओं के ऊपर है, क्या ये पुरुषों के ऊपर भी है, क्या पुरुष इसमें भी बंधे हुए हैं, क्या अगर जेंडर समानता की बात की जाएगी तो क्या पुरुषों को भी इससे फायदा होगा क्या। तो ये एक शुरू से समझने की कोशिश रही है, और इसलिए हम लोगों को ये लगता है कि मर्दानगी को समझना बहुत जरूरी है पितृसत्ता के साथ साथ, और इसलिए पुरुषों को अगर इंगेज करना है तो केवल पुरुषों को नहीं समझना, एक मैस्कुलिन जो एक व्यवहार है, मैस्कुलिन जो एक समाज है, मैस्कुलिन जो एक राष्ट्र बनता जा रहा है, इसको भी समझना हमारे लिए जरूरी है। हम अगर कुछ भी समानता की जैसे ही बात उठाते हैं तो मुख्य रूप से सत्ता हमारे बीच आती है, और पितृसत्ता की हम बात करते हैं तो पितृसत्ता जो है वह महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता संबंधों को समझने की मदद करती है। लेकिन हम जब मर्दानगी की बात करते हैं तो मर्दानगी जो है वह महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता संबंध को समझने के साथ साथ पुरुषों और पुरुषों के बीच भी सत्ता संबंधों को समझने की जगह देती है, के आयाम देते हैं। तो इसलिए हम लोगों को मर्दानगी की अगर बात करनी है और जेंडर समानता की बात करनी है तो सत्ता की बातचीत किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाते, और बड़े पैमाने पे जो हमारे आसपास सत्ता दिखती है वह पावर ओवर दिखता है, किसी के ऊपर सत्ता दिखती है, और ये डिसिप्लिन के नाम पे बड़े पैमाने पे लागू की जा रही है। एक बार मैं ट्रेनिंग कर रहा था, ऑक्सफॉर्म की ट्रेनिंग कर रहे थे, और महिलाओं ज्यादातर महिलाएं थी, और महिलाओं को जब खुद रिफ्लेक्ट किया तो उनको लगा अरे हमने कभी सोचा ही नहीं, जब हमने उम्र के आधार पे जो कम ताकतवर थे, बच्चे थे, उनको डिसिप्लिन के लिए जब हमने हाथ उठाया, जब हमने उनको पीटा, तो ये एक सत्ता पावर ओवर का ही इस्तेमाल था और एक नकारात्मक इस्तेमाल था, और इसको हमने एस्टेब्लिश किया कि ये इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका मतलब कि कुछ लोग सत्ता इस ओवर सत्ता किसी के ऊपर पावर ओवर इस्तेमाल करते हैं और बाकी लोग नहीं करते हैं, या कुछ लोग नहीं करते हैं बाकी सब लोग करते हैं। तो हमको थोड़ा सा स्वयं रिफ्लेक्ट करना होगा, स्वयं देखना होगा कि हम अपनी जिंदगी में कब कब पावर ओवर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके माध्यम से हम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उसको द्वयम दर्जा देने की कोशिश करते हैं, उसको नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, उसको कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, और साथ ही हम इसके साथ साथ हम अपनी पावर को, अपनी सत्ता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए पावर ओवर को समझना बहुत जरूरी है एज ए कॉन्सेप्ट, और हमको देखना पड़ेगा कि हम परिवार में, समुदाय में, पंचायत में, अपनी संस्था में, सरकार में कहाँ कहाँ पावर ओवर का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार ये चैलेंज हुआ पावर ओवर को लेकर के, जब हम हमारे सामने कोई कमजोर आता है और हम संगठित होकर के भी क्या पावर ओवर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम लोग संगठनों में भी लगातार अपने पे
आत्मविश्लेषण करते रहे, रिफ्लेक्शन करते रहे। और हमें याद है अच्छे तरीके से कि जब निर्भया केस 2013 में चल रहा था और हम लोग बड़े बड़े एजिटेशन कर रहे थे और फेमिनिस्ट ग्रुप भी थे और लेफ्ट ग्रुप भी थे और बहुत स्टूडेंट यूनियन भी थे, और एक जगह जहां पुलिस ने बैरिकेड लगा दिया था तो फेमिनिस्ट ग्रुप ने कहा कि हम यहीं पे धरना प्रदर्शन करेंगे और हम इसको नहीं तोड़ेंगे। और जबकि लेफ्ट ग्रुप में जो बहुत सारे लोग थे जुड़े थे, उन्होंने कहा नहीं, हम हमारी अपनी ताकत है और हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और हम सरकार को बता देंगे कि हमारी ताकत है। और यहाँ पे मतभेद हुआ और अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आया, पूरा ग्रुप जो है दो भाग में बट गया। और जैसे ही हम पावर ओवर का इस्तेमाल किए और लोगों ने एक ग्रुप तो बैठ गया वहीं पे, आगे नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरे ग्रुप ने जैसे बैरिकेड तोड़ा, वैसे ही फिर वहां पे लाठियां चली, गोलियां चली और पानी फेंके गए पुलिस द्वारा, यानी पुलिस को भी पावर ओवर दिखाने का मौका मिला। तो पावर ओवर, जबकि हम अपना पूरा पावर जो है वो पावर टू इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें कि हम मुख्य रूप से उस समय तो हम पावर विद का इस्तेमाल कर रहे थे। कलेक्टिवली हम बहुत सकारात्मक रूप में गांव में संगठन बनाते हैं, लोगों को एक साथ रखते हैं, लोगों के अंदर सशक्त बनाने का एक भाव पैदा करते हैं और उनके साथ एक ताकत बनाते हैं, और वो ताकत होती है अन्याय के खिलाफ, समानता के लिए, कमजोरों के पक्ष में खड़ा होने के लिए। पावर ओवर को एड्रेस करने के लिए हम पावर विथ का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत पॉजिटिव उसमें करते हैं। एक कॉन्सेप्ट पावर टू का है, जिसको हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए व्यक्ति को, व्यक्ति और समूह को इम्पावर करने के लिए, न्याय पाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट जो हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं वह पावर विद इन का। इसमें कुछ लोगों के लिए नया होगा, कुछ ज्यादातर लोगों के लिए पुराना ही होगा। तो पावर विद इन का इस्तेमाल हम लोग जो है व्यक्ति के अंदर उसके सेल्फ जो है, उसकी अपनी जो ताकत है, अपनी एजेंसी है, उसको जगाने की हम कोशिश करते हैं। अगर मैं एक उदाहरण दूं, हम लोग 2004 और 5 की है, हम लोग गोरखपुर में काम कर रहे थे और एक महिला अक्सर जो है अपने घर में अपने पति से हिंसा का शिकार हो रही थी, और वहां पे मासवा काम कर रहा था, तो मासवा के लोगों को पता चला और वो लोग जाकर के उस महिला से ये बातचीत किए, बताए कि हम लोग वहाँ गोरखपुर के आसपास कुछ 100 लोग एक साथ हैं, पूरे प्रदेश में कुछ 2000 लोग एक साथ हैं, और आप जिस दिन हम लोगों को निर्णय आपको लेना है, आप जिस दिन हम लोगों को याद करेंगी, हम लोग आपके साथ खड़े होंगे, आपके अन्याय के साथ खड़े होंगे, और आपके साथ हम संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे, और आप अकेला मत महसूस कीजिए। ये पता चला उसके बाद, दूसरे दिन जब उसके पति ने आकर के फिर से जब वो डंडा उठाया, उस महिला ने डंडा पकड़ लिया और उसने कहा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब आप ये नहीं कर सकते। तो ये एक उदाहरण है समझने का कि किस तरीके से हम पावर विद इन का इस्तेमाल इंडिविजुअल को, सर्वाइवर को, कमजोर को, मार्जिनलाइज को तैयार करने में करते हैं। तो समानता का काम जो है वह पावर ओवर पे कभी नहीं होता। समानता का काम हम लोगों ने जो किया है वो हमेशा पावर टू, पावर विथ और पावर विद इन के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोगों ने इसको किया है। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, हम परिवार में हैं या काम की जगह पे हैं या समाज में, समुदाय में, सरकार में, जहां पर भी हैं, हम कौन से पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और पावर ओवर का इस्तेमाल केवल नकारात्मक होता है, अगर पावर का सकारात्मक इस्तेमाल करना है, जो कि कुछ साथियों ने इजाद किया कि पावर को भी सत्ता और शक्ति दो अलग वर्ड इस्तेमाल किया, कहा कि हम शक्ति को सकारात्मक उपयोग में इस्तेमाल करते हैं जबकि सत्ता को हम नकारात्मक उपयोग में इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरीके से हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमारा उपयोग किस तरीके से है। कई बार डिसिप्लिन के नाम पे जो हम पावर ओवर कर रहे हैं, इसको लोग जस्टिफाइड करते हैं, जब हम एक भय पैदा करते हैं तो एक्चुअली पावर ओवर ही है और बहुत लंबे समय तक ये काम नहीं करता है किसी के ऊपर। ये भय भी तभी तक काम करता है जब तक कि दूसरे व्यक्ति की ताकत का अंदाजा नहीं होता, जैसे ही उस ताकत से उसका अनुभव जुड़ जाता है फिर वो भय भी उसका कम हो जाता है। जी, तो अगर हमको काम करना है पुरुषों के साथ और मर्दानगी पे काम करनी है, तो हम चलिए खुद की मर्दानगी
और इर्द गिर्द चलने वाली मर्दानगी को देखने से पहले एक छोटी सी फिल्म देखते हैं, संजय दत्त की एक छोटी सी फिल्म क्लिप है, फिल्म क्लिप एडवर्टाइज के लिए बनी थी, तो वो देखते हैं और फिर हम चर्चा आगे करेंगे। मैं अपना शेयरिंग अभी स्टॉप करता हूं और वहां पे योगेश आप चला रहे हैं जरा स्क्रीन। जी यस ठीक है। There is a new kind of dushman in our lives and we have to unite once again to fight it. Problem ye hai, there are too many mard log these days who are walking around with long hair, waxed legs and shaved chest. Men today are spending more time in beauty parlors than in gyms where they belong. Ye mard sirf naam ke hain, ye cooking karna chahte hain, they want to look after babies, get their hair permed and their face steamed. They want to feel like Benjis, wear clothes like Benjis, put on cream and lotions like Benjis. They even choose colors that are feminine. Tell me, yaar, what is wrong with you guys who want to wear purple, pink and mauve? Ye manly nahi hai yaar, girly hai. Bharat ke mardo, we are in danger, losing our gift, manliness. So let's not grow long hair like shampoo models. Let's not perm our hair or use curlers in our hair. Let's not shave or wax our legs and chest. Let's grow beards and stubbles. Let's keep long sideburns. Let's not wear silk pants but scruffy jeans. Let's not learn how to pakao Thai food and dance salsa. Let's instead khao Thai food and dance bhangra. Let's not wear pink and purple shirts, Baba, but blue, black and grey shirts. Like a mud should. Let's not move around in girly scooterets, but motorcycles. Let's fix our own plumbing and jam doors and windows. Let's watch cricket and football on TV and not stupid serials about in-laws. Let's keep bulldogs and labradors as pets and not Pomeranians and poodles. Let's not have anything to do with facial and lip gloss and hand cream and counting calories and flowery perfumes or flowery anything. This is the new kranti I want to start. It's called Mardangiri. जी तो मैं फिर से अपने उसमें आता हूं शेयरिंग पे। जी तो ये तो संजय ने कहा कि मर्द को क्या कपड़े पहनने चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, किस तरीके का डांस करना चाहिए, किस तरीके के खेल खेलने इस्तेमाल करने चाहिए, किस तरीके का सीरियल टीवी देखना चाहिए, कौन से देखने चाहिए, किस तरीके के कुत्ते पालने चाहिए। यानी एक पूरी डिफिनीशन आपने सुनी उसमें एक तरीके की मर्दानगी के लिए। 2 मिनट का समय लीजिए और आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए कि आप लोग अपने इर्द गिर्द मर्द बनो या मर्दानगी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग सुनते हैं, आप लोगों को सुनने को मिलता है। चैट बॉक्स में आप लोग लिखिए और योगेश उसको पढ़ देंगे सबके लिए। आपके आसपास किस तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको सुनने को मिलता है मर्दानगी को लेकर के, मर्द बनो या मर्दानगी को जब आता है तो क्या सुनने को मिलता है आसपास? तो सतीश जी कुछ आंसर्स ऐसे आ रहे हैं जी, गाली गलौच जी, बॉडी बिल्डिंग, अग्रेशन जी, मर्द को दर्द नहीं होता जी, स्ट्रॉन्ग एंड टफ, मेन डोंट क्राई जी, मर्द हैज पावर, सिक्स पैक्स, व्हाई आर यू कुकिंग, बी अ मैन, क्राइंग लाइक अ गर्ल, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, कम ऑन, गेट अप आफ्टर फॉलिंग डाउन, ज्यादा गर्लफ्रेंड्स। हमारे आसपास मर्दानगी को मर्दानगी जो ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध रखे, कैसे मर्द हो यार तुम, मर्द को भारी आवाज में बात करना चाहिए, मैन हु जस्ट लाई डाउन एवरी टाइम इन दिस लॉकडाउन आर नॉट मैनली,
दबंग पर्सनालिटी, कई गर्लफ्रेंड और स्ट्रांग होना चाहिए. ज्यादा मर्दों वाली हरकतें करे, मर्द पावरफुल होने चाहिए, लड़कियों जैसे मत रहो, मैन स्ट्रांग होना चाहिए. बी अ मैन. गर्ल्स यूजुअली से आई डोंट वॉन्ट अ मैन. चेस्ट फुला के चलना. यू अर्न लेस देन योर वाइफ, शी विल नेवर लिसन टू यू. आपकी पत्नी आपसे ज्यादा कमाती है तो वो नहीं सुनेंगी आपकी बात, जिसकी आवाज भारी हो. मैन हैज नो एक्सेस टू बी इमोशनल और इमोशनली वीक और बी एक्सप्रेसिव. माचो मैन होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए और बिल्कुल इमोशनल नहीं होना चाहिए. रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए. दबंग वह रोकदार होना चाहिए. बीवियों की बात नहीं सुनने वाला. लड़कियों के जैसे रोना बंद करो. तो अभी जो मैं सुना यहाँ पे एक लिस्टिंग पहले से करके रखी थी, ये मैं एक वर्कशॉप से लिया था और इसमें जो है 80% महिलाएं थी जिस वर्कशॉप को मैंने हमारे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं. तो इसका मतलब कि ये पुरुष केवल पुरुषों की वर्कशॉप हो, केवल महिलाओं की वर्कशॉप हो, ज्यादातर महिलाओं की वर्कशॉप हो, ज्यादातर पुरुषों की वर्कशॉप हो, ये उत्तर प्रदेश की बात हो या पुणे की बात हो, इवन इसी तरीके की चीजें मुझे तमिलनाडु में मिलती हैं. तो ये एक बहुत ही कॉमन सा मिल रहा है कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो इन्वायरमेंट में है, जो कल्चर में है, जिसको जिसको हम हमेशा सुनते हैं पीयर द्वारा, फैमिली द्वारा, अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, एक तरीके की मर्दानगी है. जितनी बार मैंने पूछा, और अगर मैं आज फिर से पूछूं कि क्या ये सारे गुण जो यहाँ पे सुने गए हैं, ये सारे के सारे गुण आप में एग्जिस्ट करते हैं, तो बहुत सारे कह देते हैं कि नहीं, इसमें से कुछ एग्जिस्ट करते हैं, बहुत कम जो हैं या एग्जिस्ट करते हैं, ज्यादातर एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ज्यादातर जब एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो कौन से गुण हैं और उनके बारे में क्यों यहाँ पे बात नहीं आती? वो केयरिंग है, लविंग है, शेयरिंग है, कोलेबरेशन है, देखभाल है, लोगों की, लोगों को सुनना है, लोगों को स्वीकारना है, लोगों के साथ चलना है, लोगों के खुश में खुश होना है, लोगों के दुखी में दुख होना है, ये भी तो हम ही लोगों में से है. तो क्या हम सारे लोग मर्द नहीं है? हम लोग भी मर्द है, लेकिन हम में से वो सारे बहुत सारे गुण हैं जिसको कहने में हम शर्माते हैं क्या, हम स्वीकार करते हैं क्या? तो इससे एक चीज समझ में आई कि हमारे बीच में एक तरीके की मैस्कुलिनिटी, जिसको हम भौंसपूर्ण मर्दानगी करते हैं कहते हैं, जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है, जो डोमिनेट करती है, और यही एक्सेप्टेड है, एक्नॉलेज्ड है और फेलिसिटेटेड है, इसी का आगे पाला पोसा जाता है, बढ़ाया जाता है. इसका मतलब दूसरी भी मर्दानगियां हैं. हम जितने लोग हैं उतने किस्म की मर्दानगी है, तो इसलिए मर्दानगी शब्द नहीं है, शायद मर्दानगियां होती हैं. अंग्रेजी में इसको कई लोगों ने कहा कि मैस्कुलिनिटी वर्ड ही नहीं होता है, मैस्कुलिनिटीज होता है, क्योंकि जैसे हम मैस्कुलिनिटी कहते हैं तो हम एक किस्म की मर्दानगी की बात करते हैं, वो है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, ध्वंसपूर्ण मर्दानगी, दबंग मर्दानगी, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मर्दानगी या एग्रेसिव मर्दानगी, और आजकल एक ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी. हम इसी की बात करते हैं, बाकी की बात हम नहीं करते हैं. तो ये हम लोगों को सोचना है. इसका मतलब हमारे, हम जो समझते हैं, जो सोचते हैं और जो जीते हैं, दोनों में बहुत फर्क है. एक तो इस बात को समझना पड़ेगा. इसका मतलब कि जो दूसरी किस्म की मर्दानगी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे अंदर हैं, लेकिन हम उसको बाहर नहीं आने देते, हम उसको छुपाते हैं, हम उसको घर के अंदर रखते हैं. हम रात में रोते हैं, हम सबके सामने हमको रोने में डर लगता है. हम कई बार लड़कों के साथ जिस तरीके की बात हो रही थी सेक्सुअलिटी को लेकर के, युवाओं के साथ जिस तरीके की बात हो रही थी, लोगों को फेंकने की आदत है. मतलब ये लोगों में चर्चा का विषय रहना चाहिए कि मैं कितना दबंग हूं, मुझसे कितने लोग डरते हैं, मैं कितना सेक्सुअली स्ट्रांग हूं, मैं कितना स्ट्रांग परफॉर्मर हूं. ये सारी बातचीत करते रहते हैं
जबकि उनके पास कभी इसका अनुभव नहीं रहता है, ये सच में पाया गया। तो ये भी एक कंपटीशन है, यानी पूरी मर्दानगी एक कंपटीशन पे बेस्ड है जिसमें कोलेबरेशन को एकदम खत्म किया जाता है। और इसीलिए है कि कोलेबरेशन एक फेमिनाइन ट्रेड में डाल दिया जाता है और कंपटीशन जो है मैस्कुलिन ट्रेड में डाल दिया जाता है। इसके आधार पे हम ये भी कहते हैं, जो हमने कोविड के दौरान लॉकडाउन के दौरान देखा, जो हमने फार्मर्स की सोसाइटी के बाद हम जब बात करते हैं फार्मर की सोसाइटी पर, लोग कहते हैं, बहुत लोग बहस करते हैं, नहीं नहीं ये डेवलपमेंट का मुद्दा है और इसलिए फार्मर इतने सोसाइट करते हैं। मैं कहता हूं, मैं बहस करता हूं, ये मैस्कुलिनिटी का मुद्दा है और इसलिए फार्मर बहुत सोसाइट करते हैं। हमारे यहाँ महिलाएं भी उसी आर्थिक उसमें जाती हैं, महिलाएं भी बहुत खराब स्थिति से गुजरती हैं, बहुत खराब, लेकिन वो उतनी सुसाइड नहीं करती जितनी पुरुष सुसाइड करते हैं। तो ये सुसाइड करना जो है एक मैस्कुलिनिटी का मुद्दा है। कई चीजें हैं उसके साथ, ऑनर, हम ऑनर को लेकर के अगर हम नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, और एक बहुत बड़ा मुद्दा यूपी के लोग जानते हैं, 2005 में आया था गोरखपुर में, और जिसमें कि एक लड़की ने अपने जिससे वो प्यार करती थी उस लड़के के साथ, और वो अंतर जाती था, उससे शादी कर लिया, उस लड़के ने शादी कर लिया, तो लड़की के पिता ने दो बहनों, एक भाई और अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद की हत्या की थी। और इसको लेकर के बड़े पैमाने पे गोरखपुर में 2005 में चर्चा हुई थी, और वहां से शुरू में तो हुआ, और पुलिस ने भी इन्हीं को अरेस्ट किया था, ये जो दो जो कपल शादी किए थे। और फिर संगठन आया, प्रश्न पूछा वहां पे, और बहुत सारे मीडिया के लोग साथ में खड़े हुए, उन्होंने प्रश्न पूछा कि इनकी गलती क्या है। लेकिन उसके आधार पे पूरी शादी व्यवस्था पे पब्लिकली एक बहस शुरू की गई कि किस तरीके से आनर जो है वो महिला के यौनिक संबंधों से जुड़ा हुआ आनर परिवार के साथ, समुदाय के साथ जुड़ जाता है, और व्यक्ति अगर उसको कुछ नहीं कर पाता तो जो है वह खुद की आत्महत्या कर लेता है, पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। तो मर्दानगी किस तरीके से, और ये भी देखना कि क्या वो व्यक्ति केवल कल्प्रिट था, क्या उसका अपना दोस्त था, या उसके इर्द गिर्द जो हमने एक ढांचा तैयार किया मर्दानगी का, वह पूरा पूरा नियंत्रित कर रहा है। ये जो पूरा हमेशा टफ और इंचार्ज बनने का जो दबाव डाल रहे हैं, और इसने इसने पुरुषों को बहुत जोखिम में डाला। ये जो साउथ एशिया में महिलाएं बड़े पैमाने पे महिलाएं मिसिंग हैं, कुछ सम 5 मिलियन या 50 मिलियन महिलाएं जो है मिसिंग है साउथ एशिया में, उतने ही पुरुष मिसिंग हैं लैटिन अमेरिका में। साउथ एशिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस के कारण महिलाएं मिसिंग है साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में जो है वह इस मर्दानगी के कारण। और जिसमें तीन चीजें रही हैं बड़े पैमाने पे, एक्सेस अल्कोहल लेना, अल्कोहल लेकर के हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स करना, और ये तीनों चीजें रिस्क से जुड़ी थी, और इस रिस्क टेकिंग बिहेवियर ने पुरुषों की संख्या को कम किया है। ये समझे कि ये मर्दानगी जो है पुरुषों को रिस्क में जो डालती है। और इसके साथ हम जब इसका सेलिब्रेशन करते हैं, पिछले 10 सालों में इसका सेलिब्रेशन देखें तो स्वरूप में बढ़ा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दलित भी इसको फॉलो करना चाहता है, ट्राइब्स भी इसी को फॉलो करना चाहता है, इसको लेकर के जिस तरीके का ट्रेंड मैस्कुलिन एग्रेसिव ट्रेंड नॉर्थ में दिख रहा है, वह साउथ में भी एक्सेप्ट करना चाहता है, और रायपुर के ट्राइब्स भी उसको फॉलो करना चाहते हैं। यानी ये कितना आकर्षक है, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरा कि पूरा जो ये मैस्कुलिनिटी जो है, ये प्रिस्क्राइब रोल जब देता है पुरुषों को, प्रोवाइडर का, प्रोटेक्टर का, और ये उनकी प्राइमरी रोल है, तो जैसे ये चैलेंज करते हैं तो उनको नहीं मालूम रहता कि वो कैसे इसको कैसे एड्रेस करें। पुरुषों को पूरी जो सोशलाइजेशन की जाती है उनको सक्सेस करना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया, फेल मैनेज करना नहीं सिखाया गया, उनको आता ही नहीं है, कभी सिखाया नहीं गया, क्योंकि हर बात पे हर इंस्टीट्यूशन जो है उसको केवल सक्सेस के लिए तैयार कर रहा है, जबकि महिलाओं को फेल मैनेज करने के लिए तैयार किया जाता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग होना चाहते हैं, अगर हम मानवीय गुण के साथ जीना चाहते हैं, तो हमको पुरुषों को भी फेल मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। तो और इसलिए
ये मर्दानगी की बात जब हम पुरुषों के साथ करते हैं तो एक्चुअल हम महिलाओं को केवल बचाने की बात नहीं करते हैं। और कई बार कमला भसीन ने कहा कि तुम लोग पुरुष लोग महिलाओं को बचाने का काम ही छोड़ दो, तुम लोग खुद को बचा लो, महिलाएं खुद बच जाएंगी। क्योंकि पुरुष नहीं बच रहे हैं, इतने पुरुष हिंसक हो गए हैं, इतने गाली पे विश्वास करते हैं, इतनी सत्ता पे विश्वास करते हैं, इतने आक्रामक हो गए हैं, इतने बलात्कार में शामिल हैं, ये खुद अमानवीय हो गए हैं। तो ये खुद नहीं बचेंगे तो महिलाएं कहां से बचेंगी। इसलिए बड़े पैमाने पे पुरुषों को बचाने की जरूरत है। और इसलिए मर्दानगी की बात हम पुरुषों को बचाने की बात कर रहे हैं, उनके उनको ये जगह क्रिएट करने की जहां पे वो अपने फियर को रख सकें, फियर को चर्चा कर सकें, इमोशन को शेयर कर सकें, तब भी वो एक मानवीय गुण में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो एक जेंडर गैर बराबरी में एक जिसको कहते हैं एक शेर की खाल ओढ़ करके वह सामने दिखाते रहेंगे और उस खाल के अंदर वो एक बहुत कमजोर व्यक्ति बैठा रहेगा और इतना कमजोर कि वह कभी भी टूट सकता है। और संजय श्रीवास्तव एक से मैंने सीखा जो एक स्टेटमेंट देते हैं कि एक तरफ ये जो है हमको बहुत कड़ा बहुत आक्रामक बहुत दमन दिखता है, दूसरी तरफ ये जो मर्दानगी है जो हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी है ये बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है। अगर ये नाजुक नहीं होती तो एक बार साबित कर दिया तो हमेशा के लिए हो गया। इसको हर दिन हर घंटे हर क्षण री एस्टेब्लिश करना पड़ता है, इसका मतलब इसको बहुत संभालना पड़ता है। इसलिए सारे पुरुष सारे लड़के हमेशा इस बात की चिंता में 2400 घंटे रहते हैं कि कहीं मेरी मर्दानगी कमजोर तो नहीं पड़ रही है। और ये समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है। हमने जो बातचीत की पैट्रियार्की जो है वह जेंडर पावर रिलेशन, जिसमें कि ये बताता है कि पूरी दुनिया की महिलाएं पूरी दुनिया के पुरुषों से कमतर हैं, पुरुष को के पास ज्यादा पावर है और ज्यादा सत्ता ज्यादा संसाधन पुरुषों को मिलेंगे। और पुरुष जो हैं एक नियंत्रण का काम, वो परिवार का नियंत्रण हो, समुदाय का नियंत्रण हो, देश का नियंत्रण हो, पूरी दुनिया का नियंत्रण हो, और यहाँ तक कि पूरे जिसको कहते हैं ब्रह्मांड का पूरी पृथ्वी का नियंत्रण हो, वो नियंत्रण की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इसीलिए बार बार बात की जाती है कि जब हम मर्दानगी की बात करते हैं तो जिस तरीके से हमने जननांगी की बात फेमिनाइन की बात फेमिनाइन को महिलाओं के शरीर से जोड़ करके देखा, वही गलती हम करेंगे जब मर्दानगी को हम पुरुषों के शरीर से जोड़ के देखेंगे। इसके प्रोड्यूसर महिला और पुरुष दोनों हैं और इसके कंज्यूमर महिला और पुरुष दोनों हैं। अभी हम दो दिन पहले अभी एक बात कर रहे थे एक यूनिवर्सिटी में और एक प्रश्न आ रहा था कि क्यों जो है जब महिलाएं आती हैं, जो महिलाएं संसद में आई या विधानसभा में आई तो उन महिलाओं ने महिलाओं की बात नहीं रखी। और ये बात इसलिए समझने का बहुत मौका दिया कि महिलाएं वहां पे महिलाओं के कारण गई नहीं है, वो एक मेन लैंड टाइप की जो कंसेप्ट है जो दुनिया है उसमें गई है, वो पुरुषों द्वारा कंट्रोल जो राजनीति है जो पार्टी है उसके अंदर उसी एजेंडे पे गई है। तो उनको भी वही दिखाना है जो बाकी पुरुष दिखा रहे हैं। तो ये अपेक्षा करना ही गलत है हमसे, क्योंकि उन्होंने और ये जिम्मेदारी उन पे डालना भी बेईमानी होगी कि आपने पुरुषों से तो नहीं पूछा कि पुरुष वहां पे क्या कर रहे हैं, इतने सारे पुरुष हैं उनको छोड़ दें और 10% 8% महिलाएं हैं उनसे पूछते हैं, वो अपनी कुर्सी बचाए अपनी पोजीशन बचाए क्यों महिलाओं की आजादी की बात वहां पे करें। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरा एक बात समझना कि ये पैट्रियार्की में और मैस्कुलिनिटी में एक मेल प्रिविलेज है और बाहर से किसी पुरुष को पूछो तो उसको नहीं मालूम नहीं बताता है नहीं स्वीकारता है उसको कोई प्रिविलेज है, लेकिन ये प्रिविलेज एक्चुअली ऑक्सीजन है, इसको जरा सा खींच लो तो पता चलने लगता है ये प्रिविलेज। और COVID-19 में लॉकडाउन में दिखा, उनको जरा सा कह दिया गया कि आप अंदर रहो थोड़ी देर के लिए, वो बेचैन हो गए, उन्होंने कभी अंदर रहे नहीं थे और अंदर रह करके भी वो हुकुम चलाते रहे और उतना पर्याप्त नहीं था, बार बार पकौड़ी मांगना और आप जो गूगल से देख करके पिज्जा बना करके सर्व करो ऐसा करो उतना ही पर्याप्त उनके लिए नहीं हुआ।
तो ये समझना बहुत जरूरी था कि किस तरीके से ये मेल जो है प्रिविलेज के साथ बैठा हुआ है और इस पे रिफ्लेक्शन किए बगैर, इस पे बंटवारा किए बगैर समानता की बात करना बेईमानी होगी। समानता की बात अपने अधिकारों की मांग केवल नहीं है, और यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि कई बार ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी जो है वह हमेशा सत्ता में रहता है। सत्ता हमेशा चेंज होती रहती है, अभी क्योंकि वो किसी के सापेक्ष है, तो अभी किसी के साथ में सत्ता जो है हम पावरफुल है, थोड़ी देर में पता चला हम पावरलेस हो जाते हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। और इसे जब जब हम सत्ता में हैं, कभी हम क्लास के कारण सत्ता में हैं, कभी हम शिक्षा के कारण सत्ता में हैं, कभी हम अर्बन रूरल कल्चर के कारण सत्ता में हैं, कभी हम धर्म के कारण सत्ता में हैं, नंबर के कारण सत्ता में हैं, तो किन कारणों से हम सत्ता में हैं, जिन जब जब हम सत्ता में रहते हैं तो वहां पे हमको प्रिविलेज मिलता है, उस प्रिविलेज को रिफ्लेक्शन करना, बहुत क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। साथ ही सबसे दिक्कत है कि पुरुषों में एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट होता है, यानी सारे पुरुष सत्ता में हमेशा नहीं रहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि अगर मैं पुरुष हूं तो मेरे पास सत्ता होनी चाहिए, इसको कहते हैं सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। और इसीलिए रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति जो दिन भर सबके नोकझोंक सुनता है, सबकी झिड़कियां सुनता है, सबकी गालियां सुनता है, उसको भी जाकर के घर में लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसके ऊपर वो अपनी सत्ता जमा सकता है, अपनी मर्दानगी को साबित कर सकता है, यह उसका सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है। हमने बात की कि मर्दानगी कोई माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, यह एक सोशलाइजेशन प्रोसेस है, अच्छे तरीके से एडोलसेंट एज से ही उसको सिखाया जाता है। अलग अलग साइट है सिखाने की, वो परिवार है, वह स्कूल है, वह पीयर है, वह आपकी मीडिया है, वह आपके खेल संस्थान है, वह आपकी सरकार है, हर जगह जो है यह आपके क्या अधिकार होंगे, आपके क्या जिम्मेदारियां होंगी, आपके क्या पावर होंगे, आपके क्या इंटाइटलमेंट होंगे, ये सब अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। और उसी तरीके से लड़कियों को भी सिखाया जाता है, आपके कौन सी सेफ होगी, कौन सी स्पेस आपकी होगी, कौन सी स्पेस आप नहीं होगी, अगर आपके लिए जो स्पेस डिजिग्नेटेड नहीं है उसमें जाएंगी आप, तो अगर आपके पास आपके ऊपर हिंसा होती है तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। और इसीलिए आप एक समय के बाद बाहर क्यों गई, इस सार्वजनिक जगह पे आप बाहर क्यों गई, वहां पे आप अकेले क्यों गई, वगैरह वगैरह प्रश्न उनके साथ होंगे। तो एक स्पेस, कौन सी स्पेस आपके लिए है, कौन सी स्पेस पुरुषों के लिए है। लड़कियां बाहर जा सकती हैं, लेकिन उनका पर्पस होना चाहिए, यानी पर्पस लेस उनके लिए जाना, वो सिर्फ तफरी लेने और सिगरेट पीने और पान खाने के लिए अड्डे पर जाकर नहीं खड़ी हो सकती, वह नमक लेना है, चाय की पत्ती लेनी है, कोई सामान लेना है, दवाई लानी है, तो जरूर जा सकती है, लेकिन पर्पस लेस नहीं जा सकती। जबकि पुरुषों के लिए वह पर्पस लेस जाने की पूरी छूट रहती है, वो कहीं पे जा सकते हैं। तो एक पूरी मोबिलिटी जो है वह एक की नियंत्रित की जाती है और दूसरे की पूरी खुली छूट दी जाती है, और उसके लिए पूरे संस्करण, पूरे संस्कृति तैयार किए जाते हैं। इन सब की अगर हम बात करते हैं हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी की, बहुत मजेदार था, मैंने साउथ एशियन कहानियां बनाई थी, साउथ एशियन चित्र लिए थे और उसको यूरोप में यूरोप के लोगों के साथ इस्तेमाल किया था, और लोगों ने तुरंत पहचान लिया था। ऐसे चित्र आप लोगों को कई बार देखने को मिल सकती है, आप देख सकते हो, बस स्टैंड पे हो सकती है, पब्लिक प्लेस पे अगर हम यहां देखें तो लोग किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मरे तो जरा से भीड़ हुई और ऐसे ऐसे जोक बनते थे, जरा से भीड़ हुई, झगड़े हो रहे हैं तो पीछे से कुछ लोग ललकारते थे, कुछ लोग कहते थे अरे यार मार नहीं हो रही है, कुछ लोग कहते थे आगे वाले थोड़ा बैठ जाओ, पीछे वालों को दिखला ही नहीं पड़ रहा है, यानी मार होनी चाहिए। अगर मर्दानगी की जरा सा तनाव जो है, जरा सा कॉन्फ्लिक्ट जो है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका जो होता है वह वायलेंस होता है, वो इलेक्शन हो, वह जहां पे दो पार्टी के लोग हों, दो मत के लोग हों, दो विचारों के लोग हों, जरा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ
तो वहां पे हिंसा जो है बहुत तेजी से सामने आ जाती है। अगर हम ये चित्र बहुत कॉमन रहा होगा, एक मैंने ये लिया, लूडो में पत्नी ने हराया गुस्साए पति ने तोड़ दी रीढ़ की हड्डी, ये पिछले साल की लॉकडाउन की खबर थी ये। तो इतनी सी बात, घर में हारना लोगों को स्वीकार जल्दी नहीं होता। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था वो कॉलेज जो है एक तरीके से बहुत ही एक जाति विशेष का दबंगई उसमें रहती थी, राजपूतों का कॉलेज कहा जाता था, और उनका नारा था हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। ये थोड़ा सा भोजपुरी है जिसमें है कि अगर हम हारेंगे तो आपको तंग करेंगे, एक वर्ड है हूरना, आपको तंग करेंगे, और अगर जीत गए तो आपको पीटेंगे। तो उस फील्ड पे जब अलग अलग दूसरे डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट टीम खेलने के लिए पहुंचती थी तो लोग अक्सर जो उस फील्ड पे आने से मना कर देते थे, वहां पे वॉकओवर ले लेते थे, क्योंकि वहां पे मारपीट करना, और इसको कहते हैं कलेक्टिव मर्दानगी, जो आप टीम में देखते हैं, जो यूनिवर्सिटी में देखते हैं, कॉलेज में देखते हैं, वो बहुत स्पष्ट दिखलाई पड़ती है। और क्रिकेट का, मैं पहले बहुत क्रिकेट सुनता था, क्रिकेट से मुझे बहुत अरुचि हो गई, मुझे बहुत तकलीफ होती क्रिकेट से, सिर्फ इसलिए दो कारण से। एक तो इसमें मुख्य रूप से जब वो पाकिस्तान और इंडिया के साथ होता है तो वह गेम होता ही नहीं है, वह युद्ध होता है। दूसरा कि ये कितना हेजोमनिक रहा है गेम, कि हमारे यहाँ हजारों गेम थे वो सारे खत्म हो गए, यहां तक कि, और ये केवल पुरुषों का गेम धीरे धीरे बना। यद्यपि आज अभी इंटरनेशनल टीम है, इंटरनेशनल मैच खेलती है, महिलाओं की क्रिकेट टीम है, इसके बावजूद जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको महिलाओं के, महिला टीम के नाम, प्लेयर के नाम तक नहीं मालूम रहते। तो ये एक ही बहुत ही मैस्कुलिन, बहुत ही जेंडर्ड, एक पुरुषों द्वारा नियंत्रित और बहुत ही कॉम्पिटेटिव, बहुत एक्सपेंसिव और बहुत ही डोमिनेटिंग गेम है, और इसलिए मुझे इससे प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन इसमें भी हिंसा की बात बहुत इजीली आ जाती है। ये दूसरे जो चित्र हैं वो कॉर्पोरेट में हो, वो दो पीयर के लोग हों, या बहस हो रही हो। दिल्ली में सबसे बड़ा रोड रेज और हिंसा का, पुरुषों के बीच हिंसा का कारण जो है वह पार्किंग रहा है। रोड रेज वेरी हाई रहा है दिल्ली में नहीं, पूरे एनसीआर में अगर हम कहें तो, जरा सी गाड़ी टच हो गई तो गया। और ये जो ऋणी है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, मतलब कितने ताकतवर है, कभी कई बार जो है ज्यादातर बात कार वाले बाइक वाले को पीटते रहे, कई बार बाइक वाले भी कार वालों को पीटते रहे हैं, जान से मार देते रहे हैं। तो हेजमनिक मैस्कुलिनिटी बड़े पैमाने पे हिंसा से जुड़ी हुई है, और वह हिंसा को प्रमोट करती है, प्रवोक करती है, फेलिसिटेट करती है। जब तक मारपीट नहीं हो तब तक क्या बात हुई। कई बार ये सुनने को मिलता है कि घर के अंदर कई बार पुरुष दूसरे पुरुषों को, पियर को मजाक करते हैं, चिढ़ाते हैं, और एक पत्नी को कब्जे में नहीं रख सकते हो, और उसको जब तक दो हाथ दो नहीं तब तक उसका खाना नहीं पचता है। तो एक तरीके का हमेशा प्रयोग किया जाता है ताकि हिंसा जारी रहे, हिंसा चलती रहे। और हिंसा का एक और भी कारण रहा है कि कई बार हिंसा अपनी ताकत को स्थापित करने के लिए, जो एक फ्रेजाइल मैस्कुलिनिटी है उसको रीएस्टेब्लिश करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती रही है। इस तरीके के चित्र अभी तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक अलग अलग स्वरूप में इसको हमको देखने को मिल सकते हैं, बॉडीकॉट को लेकर के। तो हमने बात की, एक चीज ये समझना बहुत जरूरी है कि जो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस है, यह पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ जो बात करती है, जो तैयारी करती है, वो लगातार इस बात की ज्यादा तैयारी करती है कि पुरुषों को, एक लड़कों को एक मर्द बनना है, और वो एक विशेष मर्द बनना है, एक यूनिक मैन बनना है,
एक आम पुरुष नहीं बनना है, और इसका दबाव बहुत ज्यादा रहता है, और इसलिए बहुत ही आइडेंटिटी हमेशा क्राइसिस में रहती है उसको लेकर के। शुरू की आइडेंटिटी, वो उनमें डर नहीं आना है, उनमें नियंत्रण आना है, उनमें जीत आना है, और इस आइडेंटिटी को लेकर के कई बार हम मारपीट, गाली गलौज, जो अपने को पसंद नहीं हो वो भी बात करते रहते हैं, या कम से कम मार भी खा गए तो दूसरे को बताते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं। ये डर लगता है, डर रहता है कि अगर हमने शेयर कर दिया तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो ये समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मर्दानगी लड़कों को ये भी सिखाती है कि ये एक बायोलाइज्ड है, यानी मर्दानगी एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी जो है वो बहुत ही प्राकृतिक है, बहुत ही जैविकी है, ये सामाजिक नहीं है, और इसलिए आप अगर ये नहीं कर रहे हो तो आप में कुछ गड़बड़ है, आप नामर्द हो। इस बात को ठोक पीट करके बैठाने की कोशिश हमेशा करती रहती है। दूसरी जो है मर्दानगी में जब सीखते हुए, लड़के ये भी सीखते हैं दूसरे पुरुषों से, और यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछना एक बहुत बड़ी शिक्षा का पार्ट है। आप कभी प्रश्न नहीं पूछ सकते, पिता से प्रश्न नहीं पूछ सकते, भाई से प्रश्न नहीं पूछ सकते, टीचर से प्रश्न नहीं पूछ सकते। प्रश्न पूछना जो एक आज्ञाकारी न होने का एक यहाँ पे लक्षण है, तो इसीलिए यहाँ पे कभी डिबेट डिस्कशन का माहौल नहीं बनता, क्योंकि सिखाया नहीं जाता यहाँ पे। और इसलिए हमारे यहाँ अक्सर नॉर्थ इंडिया में अक्सर जो लोग अभी जुड़े हैं वो याद कर सकते हैं, हम लोग लगता था अरे हम अपने पिताजी से बात नहीं करते, पिताजी से पिताजी रहते हैं तो सामने उठ करके बैठते नहीं, वहां उनके सामने उठ करके चले जाते हैं। किसी फादर जो है अपने बच्चे को लेकर के कंधे पे लेकर के नहीं घुमाते, वो अपने बहन के बच्चे को लेकर घुमा सकते हैं, अपने बेटे के बेटे को लेकर के घुमा सकते हैं, अपने भाई के बेटे को लेकर घुमा सकते हैं, अपने बेटों को लेकर के नहीं घुमा सकते, क्योंकि वहां पे उनका रोल डिसिप्लिन मेकर का है, और उनको लगता है कि ये डर बनी रहनी चाहिए। और कई बार मुझे लगता है कि ये जितने ऑफिसर वगैरह भी होते हैं, तो चाहे IAS हो चाहे पुलिस वाले हो, वो कभी मुस्कुराते नहीं, कभी हंसते नहीं, उनको लगता है कि अगर मुस्कुराएंगे हंसेंगे तो उनका लोगों से नियंत्रण चला जाएगा। साथ ही हमेशा दिखाना, उनका पहनावा, उनका बैठने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, उनके कुर्सी की स्टाइल, उनकी मेज की स्टाइल, मेज का आकार, कमरे का आकार, ये सब जो है एक धौंसपूर्ण मर्दानगी दिखाता रहता है। तो एक तरीके से उसकी सिंबल पे भी हम लोगों को बात करते रहनी पड़ेगी कि किस तरीके से हम जो है मर्दानगी के सिंबल को प्रैक्टिस करते रहते हैं। जी, तो कुछ चीजें मुझे दिखने रही थी। तो एक हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी जो है आइडिया ऑफ डोमिनेशन है, जो हमेशा रीइन्फोर्स किया जाता है। जब भी हम तलवारों की बात, लाठी की बात, बंदूक की बात करेंगे तो क्या होगा, और अगर हम लड़कों को गुड़िया की बात, खाना बनाने के औजार की बात इश्यू देंगे तो क्या होगा, अगर हम लड़कों को कार और बंदूक और इवन होली में भी सिंगन होती है आजकल तो हम यही देंगे, तो हम उससे रोटी बेलना और प्यार करना तो नहीं सिखाएंगे। तो ये हमको समझना पड़ेगा। फिर मर्दानगी को हमको अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा। मर्दानगी जो 100 साल पहले थी और जो आज है वो नहीं, उसमें बदलाव आएगा। मर्दानगी जो पश्चिम की है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूरब तक जाएंगे, उसका स्वरूप बदलता हुआ जाएगा। तो हमारा क्षेत्र के आधार पर भी मर्दानगी बदलती है, और हमारी एज के आधार पर भी मर्दानगी बदलती है, यहाँ तक कि कास्ट के आधार पर मर्दानगी बदलती है। हमारे यहाँ तो ये कॉलोनियल पीरियड में अंग्रेजों के समय कुछ जातियों को लड़ाकू जाति और कुछ को जो है आपराधिक जाति का दर्जा दिया गया था, और इसीलिए नॉर्मेटिव ट्राइब्स या बोला जाता है, जिसमें आपराधिक जाति यूपी बिहार में मुसहर को किया गया, पारदी को किया गया महाराष्ट्र में, और ये कुछ पठान है, सिख है, गोरखा है, राजपूत है, यादव है, ये सारे जो है जाट हैं,
तो ये सारे वॉरियर कम्युनिटी हैं। तो एक तरीके से ये पूरा कास्ट सिस्टम जो है मर्दानगी के साथ चलता रहा, हमारे क्लास और प्रोफेशन के साथ मर्दानगी चलती रही, और मर्दानगी राष्ट्रों के साथ बहुत तेजी से चल रही, राष्ट्र के नाम पे सब कुछ जायज है। और मैं अभी यूनिवर्सिटी से बात करता, उन्होंने पूछा कि एजुकेशन में क्या बदलना चाहिए। मैंने कहा आज भी मैं प्राइमरी स्कूल में जब सुनता हूँ, और 15 अगस्त के दिन जब प्रभात फेरी होती है, जब झंडा लेकर के बच्चे चलते हैं और जो गीत गाते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ये विजयी विश्व के कॉन्सेप्ट अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रणपूर्ण हमारा, ये राष्ट्र के नाम पे इतनी बड़ी हिंसा की बात हम यहाँ पे, जबकि यहाँ पे दूसरे भी ट्रेडिशन रहे हैं, यहाँ पे दूसरे रहे हैं, यहाँ पे सूफी रहे हैं, कबीर रहे हैं, नानक रहे हैं, बासप्पा रहे हैं, फूले रहे हैं, तो रहीम रहे हैं, अलग अलग ट्रेंड्स रहे हैं, अलग अलग लोग रहे हैं, तो हमारे यहाँ अलग किस्म की भी मर्दानगी रही है। बुद्ध गांधी की भी बात होती है, जो लोग की जियो और जीने दो की बात कर रहे हैं, तो हर समय में इसको एक अलग तरीके से चैलेंज भी देखें तो किया जाता रहा है। ये सब रीजन नेशनलिज्म, सब रीजनलिज्म की भी बात होती है, एक लैंग्वेज की अपनी मर्दानगी होती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि हिंदी की देखिए अपनी हेजोमनी क्या है। और एक रेफरेंस हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन संजय श्रीवास्तव जो प्रोफेसर हैं जेएनयू में थे और अभी वो इंग्लैंड में है, उन्होंने बताया कि जेएनयू में एक छोटा सा रिसर्च किया गया स्टूडेंट के साथ, और जब पूछा गया कि परिचय में पूछा गया, तो किसी ने कहा मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्रियन हूँ, किसी ने कहा मैं गुजराती हूँ, किसी ने कहा मैं तमिल हूँ, किसी ने कहा कि मैं बंगाली हूँ, किसी ने कहा मैं असमी हूँ। जब बिहार से जो व्यक्ति से पूछा गया तो उसका मैं इंडियन हूं, जब यूपी से पूछा गया कहा मैं इंडियन हूं। इसका मतलब हम हिंदी बोलते हैं तो हमारी पहचान भारतीय है, और हम दूसरी भाषा अगर बोलते हैं तो हमारी पहचान रीजनल है, क्षेत्रीय है। ये किस तरीके की लैंग्वेज की अपनी मर्दानगी है, और इसलिए हम लोगों को लगता है कि, और हिंदी वालों को लगता है कि अगर आप इंडियन है तो आप सबको इंग्लिश हिंदी आनी चाहिए, जबकि ये कभी नहीं सोचा कि बाकी लैंग्वेज भी राष्ट्रीय भाषा है तो क्यों नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए और पूरा एक सेल्फ आइडेंटिटी एंजाइटी जो है, सेल्फ कॉन्सेप्ट जो तैयार होता है उस पे काम करने की जरूरत रहती है। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो रहती है, हमारी जो लीगल पॉलिसी रहती है, इसको ये बदलती रहती है, इसको बदलने की भी जरूरत है कि ये किस तरीके से मर्दवादी व्यवस्था के अंतर्गत किस तरीके से चल रही है। हमारे जो है मैस्कुलिनिटी और रिलीजन के संबंधों को हमने बात की, देखने की जरूरत है। हमारे यहाँ अलग अलग जो है धारणाएं रही हैं, एक ही कई बार अलग अलग रहे हैं, जिसकी हमने बातचीत की है। हमने पुरुषों पुरुषों के बीच रिलेशनशिप की हमने बात की है, और एक हाई वैल्यू ऑफ मेल चाइल्ड का जो एक बहुत ज्यादा तनाव रहा है, ये बड़े पैमाने पर रहा है। और यहां तक मैं बताऊं, मैं एक साल पहले, 1.5 साल पहले मैं मेघालय में शिलोंग में यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप कर रहा था, और वहां पे जब वहां के लोगों से पूछा, महिलाओं से, कि आप लड़कों को इतना पहले खाना, ज्यादा खाना, पहले सुविधा, ज्यादा स्पेस क्यों देती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि लड़के तो हमारे यहाँ आजीवन नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि वो मैट्रिलिनियर सोसाइटी है, यहाँ तो लड़कियां हमारे साथ रहेंगी और लड़के किसी और के घर में चले जाएंगे, इसलिए हमको उनको अभी जितना दिन है उसमें ज्यादा देना है। इंटरेस्टिंग बात, पैट्रिलिनियर सोसाइटी में लड़कों को सन प्रेफरेंस रहता है, क्योंकि लड़के रहने वाले हैं, बुढ़ापा के सहारा है, बेटी तो पराया धन है, चली जाती है। और दोनों में देखिए, मैट्रिलिनियर में भी प्रिविलेज लड़के को मिल रही है, और पैट्रिलिनियर में भी प्रिविलेज लड़के को मिल रही है, उसके तर्क जो है अलग अलग हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए वहां के लड़के, या पारसी समाज के लड़कों से जब मिला था, या ट्राइब के लड़कों से मिला था, उनको बहुत ईगर, वो बहुत ईगर है, अंदर से उनको लगता है कि उनको एक जो मेन स्ट्रीम मैस्कुलिनिटी है उसमें उनको जाना चाहिए, उनको एडाप्ट करना चाहिए। हमने बात की मर्दानगी की, सब लोगों ने, आप लोगों ने जो कहा कि सेक्सुअलिटी जो है बहुत कमजोर पक्ष है हेजोमनिक मैस्कुलिनिटी का, और ये हमेशा परफॉर्मेंस, सेक्सुअल परफॉर्मेंस, सेक्सुअल एंजाइटी, ये जो है सबसे बड़ा है। और किसी को अगर जरा से, यहां तक कि
फर्टाइल नहीं है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, और किसी पुरुष से कहो कि आप जरा सा इनको आप खुद नहीं समझा करके दिखा देते, एक बार चेकअप करा लेते तो बिगड़ जाता है, उसको बहुत चोट पहुंचती है, बहुत तकलीफ होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम देखते हैं तो पूरा महिलाओं के दबाव, महिलाओं की संख्या कम होना, महिलाओं का हिंसा करना, उनके सामाजिक स्थिति बहुत कम होना है, उनका मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी, उनमें शिक्षा में कमी, और जल्दी उम्र में शादी भी कई तरीके की हैं, उनकी मोबिलिटी को लेकर के, रिसोर्सेज को लेकर के, हम सब लोगों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स इन हेरिडिटी पास हो चुका है, कितना साल हो गया, लेकिन अभी भी अगर डीएम से जाके पूछिए कि भाई तुम क्यों नहीं सबको नाम चढ़ा देते हो, तो कहता है कि हम तो बैठे हैं आपको देने के लिए, आप आइए मांगिए ना। यानी महिलाओं को अगर चाहिए तो मांग करनी पड़ेगी, जो कि पुरुषों को ऐसी कोई मांग नहीं करनी पड़ेगी। ये पूरा कल्चर का इशू है, डोमेस्टिक वायलेंस बड़े पैमाने पे इसका प्रतिफल है, और डोमेस्टिक वायलेंस इसका माध्यम है मस्कुंटी को स्थापित बनाए रखने का। डाउरी है, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रेन है, और पुरुषों को केयर वर्क में जोड़ने का, अनपेड केयर वर्क में जोड़ने का, कि बहुत छूटे हुए हैं, बहुत काम करने की जरूरत है, और अगर इन सब पे हमको काम करना होगा, हमारे पास समय बहुत कम है, लेकिन ये जो स्लाइड है कि किस किस तरीके से ये काम हमारे यहाँ चलता रहा है, और हम लोग इसलिए मैस्कुलिनिटी से हम कॉन्शसनेस चेंज से हम ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज की तरफ जाने की बात करते हैं, जहां पे पुरुषों का व्यवहार हर जगह पे अधिकार उनकी बदलनी चाहिए, पोजीशन बदलनी चाहिए, जिम्मेदारियां बदलनी चाहिए, और न्याय की परिभाषा जो है, न्याय के लिए जो स्वरूप है, जो रास्ते हैं, जो स्ट्रेटजी है, बदलनी चाहिए। हम जो है इसलिए बात कर रहे हैं कि मर्दानगी एक बार जो बन गई हमेशा नहीं रहने वाली है, 100 साल से बदलती रही है, 1000 साल से बदलती रही है, तो बदली जा सकती है, लेकिन अभी मुश्किल ये है कि अगर हमें कहें तो शायद ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी की तरफ आक्रामक मर्दानगी बढ़ रही है रेदर देन। तो एक तरफ हम केयर मर्दानगी को, दूसरी मर्दानगी को जो कोलैबोरेटिव है, जो सेंसिटिव है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ध्वंसपूर्ण मर्दानगी, अग्रेसिव मैस्कुलिनिटी भी आगे बढ़ रही है, लेकिन ये सोशलाइजेशन का पार्ट है और ये बदला जा सकता है, ये बदलना चाहिए। अभी मैं रुकूंगा, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी प्रश्न होगा मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच सतीश जी। इसी के साथ हम सवाल लेना शुरू करते हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, आपके सवाल रखें, जो भी आप पूछना चाहें, और उसी के साथ अगर कोई अनम्यूट करके भी पूछना चाहे तो उनका भी स्वागत है। तो सबसे पहले मुझे अलका जी दिख रहे हैं जिनका हैंड रेज्ड है, तो हम उनसे सवाल सुन के लेते हैं। अलका जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, नमस्कार सर, बहुत अच्छा सेशन बताया आपने, और जो मर्दानगी की जो भाषा है वो अलग अलग इसमें कैसे वैरी होती है वो भी मुझे समझ में आया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपकी नजर में एक आइडियल मर्दानगी की डेफिनेशन क्या होगी, ये मेरा प्रश्न है आपसे। हम और कोई इससे मिला जुला और कोई प्रश्न एक साथ ले लेते हैं, फिर दो तीन प्रश्नों को एक साथ जवाब दें। जी जी बिल्कुल। किसी ने लास्ट स्लाइड को कहा कि रखिए ताकि हम उसको देख पढ़ सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ लेंगे, कोई नहीं। जी हाँ जी। तो उसके साथ एक और सवाल है कि ग्रुप लेवल पे काम कैसे शुरू करें, तो हम वो सवाल पहले ले सकते हैं। जी, तो इसमें अलग अलग लोग जो अलग अलग जगह हैं अपने तरीके अपना रहे हैं, हम लोग भी अपना रहे हैं, एडोलसेंट के साथ अपना रहे हैं, यूथ के साथ अपना रहे हैं, लड़कों और बाकी पुरुषों के साथ अपना रहे हैं। प्रश्न है कि उनके साथ अगर काम करना है तो दो चीज है, एक तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा, उनको एक जगह बुलाना पड़ेगा, और वहां पे उनको कुछ प्रक्रियाओं से उनपे उनकी अपनी पावर और अपने प्रिविलेज पे रिफ्लेक्शन कराना पड़ेगा।
उसके बाद अगर वो रिफ्लेक्शन करेंगे और उनको समझ में आएगा कि कई जगह वे भी स्वयं समस्या के पार्ट हैं, समस्या जनरेट करते हैं, हेजमोनिक मैस्कुलिनिटी को बढ़ाते हैं, तो वह उस पर काम करने के लिए तैयार हो सकते हैं। फिर उनका हम चेंज प्लान बनाते हैं घर के अंदर और घर के बाहर, कलेक्टिव और इंडिविजुअल, प्राइवेट स्पेस में काम कीजिए और व्यक्तिगत तौर पे काम कीजिए और कलेक्टिव काम कीजिए। साथ ही उनको एक स्पेस जो है एक साथ ला करके एक दूसरे से सीखने की, समझने की और एक सॉलिडरिटी, एक मेंटरिंग सपोर्ट की जरूरत रहेगी, एक सॉलिडरिटी तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब एक व्यक्ति काम करता है, घर में कपड़े धोता है, झाड़ू बना लगाता है, खाना पकाता है, तो लोग उसको चढ़ाते हैं, लेकिन जब वही 10 लोग करने लगते हैं तो लोग उसको नया नॉर्म समझते हैं। दूसरा कि इन सब लोगों को जो घर में काम करते हैं उसको पब्लिक करने की जरूरत है। हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो जो घर में काम कर रहे हैं अगर उसको हम बाहर लोग दिखाएं, बाहर लोग, तो उससे दूसरे लोग भी आकर्षित होंगे और दूसरे लोग भी एडॉप्ट करेंगे। साथ में उनको ये सिखाना पड़ता है सुनना, क्योंकि उनको नहीं सिखाया गया, तो सुनना, वो सुनते नहीं, और मुख्य रूप से महिलाओं को सुनना, लड़कियों को सुनना, उनकी लीडरशिप घर के अंदर स्वीकार करना, तभी वो बाहर भी वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो एक अपनी आइडियल भूमिका में वो क्या जा सकते हैं। एक साथी ने पूछा था कि आइडियल मर्दानगी क्या होगी, और ये प्रश्न कई बार रहा कि हम इस बात को शायद हमारे लिए कहना बहुत मुश्किल है, जब ये भी प्रश्न उठाना कि असली मर्द कौन है, और इसलिए कोई असली शायद नहीं हो सकता, लेकिन हम सब लोग एक आइडियल, एक कैरेक्टरिस्टिक्स तय कर सकते हैं, ऐसी मर्दानगी जो कि जो दूसरे गुण हैं उनको भी एक्नॉलेज करे, जो प्यार पे, केयर पे, शेयर पे और कोलैबोरेशन पे जिंदा हो, जो केवल डोमिनेशन पे और कंट्रोल पे जिंदा ना हो। तो ऐसी मर्द और ऐसी होती है, गुण कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसको जगह देने की जरूरत है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। और इसलिए हम चाहे अपने ऑफिस में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, अपने काम में हैं, या दूसरों से बातचीत कर रहे हैं, हमको लगातार रिफ्लेक्ट करते रहना पड़ेगा। और लड़कों के साथ या पुरुषों के साथ जब भी काम करते हैं, हमको एक आईना दिखाना पड़ेगा। बगैर आईना देखे किसी को नहीं पता चल सकता कि हमारा चेहरा कैसा है, और इसलिए आईना का काम उस ग्रुप में तैयार करना पड़ेगा। दूसरे लोग मदद कर सकते हैं, दूसरे लोग फीडबैक दे सकते हैं, और दूसरे लोग मेंटरिंग कर सकते हैं आगे ले जाने के लिए। जी जी, तो सतीश जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल जो आया है कि जब पुरुषों के पास है हेजमनी, उनके पास है पूरा पावर, तो ऐसा क्यों वो करेंगे कि अपना पावर बांटना चाहेंगे वो? जी, मैंने महाराष्ट्र में काम किया, और जब काम शुरू किया और वहां पर 5 साल काम किया था, कुछ 100 गांव में, अलग अलग जगह, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, ऐसे ग्रुप बना के काम किया 3 साल 4 साल 5 साल, अलग अलग जगह अलग अलग। शुरू में पुरुषों को यही लगता है, और बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है, कि जेंडर समानता मतलब कि हमारे पास पावर है, ये पावर दे दी जाएगी तो हम पावरलेस हो जाएंगे। ये बहुत सिंपल डिफिनेशन है। लोगों ने जब काम शुरू किया, और इस डर से ही काम शुरू किया, इसलिए शुरू में जो इतने लोग आते हैं उसमें से 60% लोग रह जाते हैं, 40% लोग छोड़ के चले जाते हैं इस डर से कि तुम तो मुझे कमजोर बनाने की बात कर रहे हो। लेकिन जो लोग रह गए, उनको ये लगा कि उनका बहुत फायदा हुआ, उनको सबसे बड़ा फायदा हुआ उनके इंटीमेट रिलेशनशिप में। उन्होंने इस गुणवत्ता के संबंध ही कभी नहीं निभाए थे अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ। ये एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन था। दूसरा, वो जो पूरा समस्या परिवार की अपने सर पे लेके ढो रहे थे, उसको बच्चों ने भी, घर की महिलाओं ने भी मिल करके बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। और बहुत सारी सॉल्व नहीं की जा सकती हैं, दुनिया की ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो सॉल्व नहीं हो सकती, लेकिन उन समस्याओं को जूझने के लिए जो ताकत मिली वो बहुत बड़ी थी। तो सारे पुरुषों ने कहा उनको तो बहुत बड़ा फायदा हुआ, सेक्सुअल एंजाइटी कम हो गई थी, गुणवत्ता रिलेशनशिप की गुणवत्ता बहुत बढ़ गई थी। जो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने कहा कि जब भी आता था और मजदूरी खेत से आता था काम करके, और वो बहुत खुश रहता था, उसको देखते ही सारे बच्चे डर के मारे जाके बैठ जाते थे,
और अगर चाय नहीं मिली तुरंत अगले 5 मिनट में तो वो चिल्लाने लगता था चाय कहाँ है। जब वो चेंज हुआ तो उसने कहा कि एक्चुअली चाय की जरूरत ही नहीं रह गई। जब मैं आता हूँ मेरी 4 बेटियां और 1 बेटे जब कैरम बोर्ड लेकर के आगे बैठ जाते हैं और किसके घर में क्या हुआ और किसके स्कूल में क्या हुआ, किसके बच्चों के साथ क्या हुआ, ये सारी जो कहानियां सुनाते हैं, ये जो सुन करके जो ताकत मिलती है वो चाय की तलब से खत्म कर देती है। तो उनको लगा कि ये तो असल में हमको खुद अब मानव बना रहे हैं और ये उनका बहुत फायदा था। हमने प्रिविलेज छोड़ने की बात जरूर की लेकिन पुरुषों के ऊपर भी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, पैट्रियार्कल रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर उनको उससे मुक्ति चाहिए, अगर हम प्रोवाइडर प्रोटेक्टर नहीं बन सकते हमेशा, तो हमको अपने प्रिविलेज को छोड़ना पड़ेगा। हम अपनी जमीन जायदाद भी हिस्सा ना दें और हम माँ बाप की अकेले परवरिश की भी जिम्मेदारी ना लें, दोनों नहीं चलेगा। तो आपकी जिम्मेदारियां भी कम होती हैं लेकिन आपके अधिकार और आपकी सुविधाएं भी कम होती हैं और इसलिए पुरुष छोड़ते हैं। दूसरा कि अगर हम संविधान में विश्वास करते हैं, अगर हम संविधान के मूल्यों में विश्वास करते हैं, अगर हम मानव अधिकारों में विश्वास करते हैं, ये विश्वास जैसे बढ़ेगा वैसे ही समझ में आएगा कि मेरे पास ये बेईमानी की थी, मैंने आपकी जमीन अपने पास रख ली है, कब्जे में रख ली है, बेईमानी में रख ली है, तो अगर मैं इसको वापस करता हूं तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं उस एक सिचुएशन जिसके लिए हम कमिट थे मानव होने के कारण उसको हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे कुछ जवाब हैं और हम लोगों को ऐसे जवाबों को ढूंढते रहना पड़ेगा, उन जवाबों को इस्तेमाल करना पड़ेगा दूसरे पुरुषों के साथ काम करने के लिए। जी जी, तो जब हम बदलाव की बात कर रहे हैं, मर्दानगी को कैसे हम बदल सकते हैं, तो फिर उससे ये बात एक सवाल आया है कि क्या मर्दानगी इन इटसेल्फ नेगेटिव है, और अगर है तो क्या हमें मैस्कुलिनिटी फेमिनिनिटी इन सब चीजों को हटा देना चाहिए, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए हमारे बीच में? कुछ लोग कहते हैं कि मर्दानगी अपने आप में निगेटिव है क्योंकि वो मर्दानगी की परिभाषा वही लाते हैं जो कि हेजमोनिक और टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। अगर मर्दानगी ध्वसपूर्ण है तो मुझे वह निगेटिव ही लगती है। ध्वसपूर्ण मर्दानगी ने केवल कब्जा ही जमाया है छत पे अपनी सुविधा के लिए, अपने सत्ता के लिए। लेकिन अगर हम बाकी मर्दानगी की बात, क्योंकि एक चीज और है कि अगर मर्दानगी को करनी है तो हम दूसरी जो मर्दानगी है, हम उस दूसरे को नामर्द क्यों कहेंगे जो कि जिसको दूसरी भाषा में लोग फेमिनाइन ट्रेट्स कहते हैं, क्या फेमिनाइन ट्रेट्स जो है वो फेमिनिन है? तो इसीलिए हम हर मैस्कुलिन ट्रेट्स और फेमिनिन ट्रेट्स पुरुषों में भी जरूरत है और महिलाओं में भी जरूरत है, लेकिन इनका उपयोग किसी को दबाने के लिए, किसी पे नियंत्रण करने के लिए नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को लगता है कि मर्दानगी को समझना और समझ करके उस पर काम करना बहुत जरूरी है। आज जात की मर्दानगी है, धर्म की मर्दानगी है, जिस तरीके से पूरी डेमोक्रेसी में जिस तरीके से मर्दानगी और एक निगेटिव मर्दानगी है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी बात हो रही है। जब आप हुंकार रैली, डंकार रैली और 56 इंच की बात करेंगे, इससे आप क्या समानता की बात करेंगे, क्या जस्टिस की बात करेंगे? पूरे माहौल में है कि एक समुदाय को और डर करके रहना चाहिए, और ये चिंता की बात बड़े समुदाय के लिए क्यों नहीं बनी? अब बड़े समुदाय की चिंता यह है कि छोटे समुदाय के लोग हमसे डर के क्यों नहीं रहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इसीलिए इस पे काम करने की जरूरत है। अगर मर्दानगी ये हिंसा पे आधारित है, नियंत्रण पे आधारित है, तो इसको बदली जानी चाहिए। दूसरी कि अगर फेमिनिटी महिलाओं के लिए जितनी जरूरी है, उतनी ही जरूरी फेमिनिटी मर्दों के लिए भी जरूरी है। अगर निडर होना पुरुषों के लिए जरूरी है तो निडर होना महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। लीडर होना पुरुषों के लिए जरूरी है तो लीडर होना महिलाओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। लेकिन कुछ गुण पुरुषों में रखें और कुछ गुण महिलाओं में रखें, इससे बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि एक को हम दूसरे पे डोमिनेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इसी के साथ आपने एक और सवाल का उत्तर दे दिया है जो पूछा गया था कि क्या धर्म भी एक एजेंसी है जिसके द्वारा पुरुषों को पावर मिलती है? धर्म बहुत बड़ी एजेंसी है, बहुत बड़ी एजेंसी है, और धर्म का खेल जिस तरीके से पूरी दुनिया में खेला जा रहा है और यहाँ पे जिस तरीके से खेला जा रहा है, ये अपने आप में बहुत खतरनाक है।
ये संवेदनशीलता की बात ना उठ करके हर जगह अभी जो है जितने सेंसिटिव पुरुष हैं उनको उस धर्म नहीं, अगर मैं मेजॉरिटी में भी हूं तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत चोट पहुंचती है, जीने में बहुत दिक्कत होती है, लेकिन मैं अंदाज लगा सकता हूं कि मैं सिर्फ सेंसिटिव हूं तो मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, तो जो लोग माइनॉरिटी में होंगे वह कितनी दहशत में होंगे, इसका मैं अंदाज लगा लेता हूं। और मुझे ये लगता है कि फिर शायद मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस पे बोलूं, मैं इस पे बात करूं, मैं सॉलिडरिटी में उनके साथ खड़ा रहूं, कम से कम ये मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो धर्म जो है जिस तरीके से हिंसा की बात, जिस तरीके से नफरत की बात पैदा की है, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। इससे दुनिया इस नफरत से, हिंसा से नहीं जिंदा रह सकती, नहीं जिंदा रही है, लेकिन आज भी इसका एक बहुत बड़ा उपयोग किया जा रहा है जिसमें कि लोग जो हैं, और ये नशा टाइप का है जिसमें कि नून रोटी खाएंगे, इसको जिताएंगे से लेकर के सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ बर्बाद हो जाए, लेकिन उसको खत्म हो जानी चाहिए से लेकर के। हमारे यहाँ पुराने में कहावत है, मेरी दोनों आंखें फूट जाए लेकिन मेरे दुश्मन की एक आंख तो फूटनी चाहिए, उसकी एक आंख फोड़ने के लिए हम दोनों आंख फोड़ने के लिए तैयार हैं। ये धर्म का एक उपयोग हो रहा है आज के समय में। धर्म का दूसरा उपयोग हो सकता है, लेकिन धर्म का और संप्रदाय का मिक्सचर हो गया है, और इसलिए हम स्पिरिचुअलिटी को और रिलीजन को मिक्स कर दिए हैं। स्पिरिचुअलिटी अलग है, हमारा ईश्वर, हमारा गॉड, हमारा अल्लाह हमसे जुड़ा है, हम में है, और वो उसी तरह के दूसरे में है। और धर्म एक राजनीति है, आपको क्या करना है, आपके क्या अधिकार रहेंगे, आप कैसे आपको कैसे नियंत्रण करेंगे, कैसे नियंत्रित होंगे, ये धर्म सिखा रहा है। इसलिए धर्म की बात अलग करनी होगी और स्पिरिचुअलिटी की बात अलग करनी होगी। लोग दोनों को कभी कभी मिला देते हैं, इस पे भी अपने को प्रश्न खड़ा करना होगा। जी बिल्कुल। तो सतीश जी, एक और रिक्वेस्ट आ रहा है कि आप अगला वाला स्लाइड भी थोड़े समय के लिए सबके लिए ओपन करें। ये वाली स्लाइड? हाँ जी, शायद यही पूछा जा रहा है, अगर चैट बॉक्स पे आप लोग लिख सकते हैं अगर यही स्लाइड आप देखना चाहते हैं। तो उसी के साथ दो तीन सवाल साथ में मैं रखती हूँ कि ये बातचीत अपने घर पे कैसे हम शुरुआत करें। उसी के साथ एक और सवाल आया था कि अपने बच्चों को कैसे हम वो करें, जो 8 से 9 साल के बच्चे हैं जिन्हें इसी उम्र में सिखाया जाता है कि आप साथ में मत खेलो, लड़के अलग खेलो, लड़के अलग खेलो। एक और सवाल है कि लॉकडाउन में इतने वीडियो गेम्स, इतना सब कुछ हुआ है कि पुरुषों में खास करके बहुत अग्रेसिव नेचर हो गया है, क्योंकि गेम्स बहुत अग्रेसिव हैं। तो इन सारी चीजों को मिला के कैसे उसको हम सुधार सकते हैं? जी हाँ, मुझे लगता है सबसे पहले हमको जो अपने परिवार में बदलना चाहते हैं, पहले तो ये प्रश्न उठाना पड़ेगा, जब हम जन्मदिन पे बच्चों के लिए गिफ्ट खरीदने जाते हैं, खिलौने खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले हमको इस पे काम करना होगा, नो मोर वायलेंट टॉयज एंड बॉयज, ये एज ए नारा स्वीकार करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमारे घर में कभी भी वायलेंट टॉयज नहीं आएंगे, चाहे पिचकारी हो चाहे गन हो, हमारे घर में केयरिंग के गेम आएंगे। दूसरा कि टॉयज जो हैं वो जेंडर सेग्रीगेटेड नहीं होंगे, वो जेंडर न्यूट्रल बनाए जाएंगे। तीसरा, घर के अंदर गाली बंद करो अभियान बड़े पैमाने चलाना होगा, अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। दूसरी चीज कि हमको ये ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम बच्चों के सामने पार्टनर को डांटते हैं, कहते हैं कि इडियट, यू डोंट नो, यूजलेस, हम क्या मैसेज देते हैं बच्चों को, बच्चे सीखते हैं। तो बच्चों के सामने हमको, हम क्या सिखाना चाहते हैं, और मुश्किल है ये कि हम जो सिखाना चाहते हैं, जो व्यवहार करते हैं वो अलग है। दूसरा, घर में साथ खाना बनाना, साथ में खाना, अगर हमने ये भी पाया कि जब हम बड़े लोगों के साथ काम करते हैं और जब पुरुषों को सिखाते हैं कि आप पत्नी के साथ आप जो है खाना बनाएं, तो बहुत जब लोग पत्नी काम में हाथ बटाएं तो उसकी माँ जो है यानी पत्नी की सास को तकलीफ होती, क्यों नहीं तकलीफ हो, जिंदगी भर उसके हाथ में, उसके काम में किसी ने हाथ बटाया नहीं। तो अगर हम बचपन में ही ये देखते रहे कि बाकी लोग भी, बच्चे हाथ बटा रहे हैं, लड़के हाथ बटा रहे हैं, पुरुष हाथ बटा रहे हैं, तो जब नई महिला आएगी घर में तब भी लोग हाथ बटाने में उसको सास को कभी दिक्कत नहीं रहेगी। तो घर के अंदर
घर के अंदर हम निर्णय प्रक्रिया में, घर के अंदर एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट में प्रश्न करना कि पुरुषों के लिए आपके लिए ही केवल नहीं है, अगर आपके लिए पुरुषों के लिए जो है वह महिलाओं के लिए भी है, ये बात घर के अंदर शुरू करनी होगी। घर के अंदर सबका काम है, घर सबका, काम सबका। गंदा सब करेंगे तो सफाई भी सभी करेंगे, बिगाड़ेंगे सभी तो बनाएंगे भी सभी। तो हम साफ वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कर लाएं घर के अंदर और फिर हम इसको बाहर भी ले जाएं। ये जो सेग्रीगेशन खेलने का है इस पे हमको प्रश्न जरूर खड़ा करना पड़ेगा, लेकिन ये पूरे कॉम्पिटिटिव गेम पे भी प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा। हमको कोलेबरेटिव गेम के बारे में सोचना पड़ेगा, एक केवल कंपटीशन में। और ये जो एक तनाव है कि अव्वल आना, 1% कम नहीं आना, अरे अव्वल आने का एक प्रॉब्लम है, उससे ज्यादा है अच्छा कि सबके साथ आओ, सबके साथ आओ। ऐसे खेल बनाए जिसमें कि हम नहा रहे तुम न जीतो वाला जो कॉन्सेप्ट हो, या ऐसे खेल जिसमें कि सभी लोगों को जगह मिलती हो, इसकी ज्यादा जगह देनी पड़ेगी हमारे। तो घर के अंदर के जो नियम है वह हमको बदलने पड़ेंगे। जेंडर स्टीरियो जो काम का बंटवारा है वो भी हमको बदलना पड़ेगा जी। बिल्कुल। तो इसका एक फॉलो अप सवाल है कि अगर ऐसा हो रहा है कि हम स्कूल में सिखा रहे हैं अच्छी चीजें, समानता सिखा रहे हैं, लेकिन घर पे वो बदलाव नहीं है, तो फिर उसका सामना हम कैसे करें? उसी के साथ एक जुड़ा हुआ है कि टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो इंटरनेट पे चीजें दिख रही हैं, वो बहुत जेंडर्ड है, वो बहुत मैस्कुलिनिटी पे बेस्ड है, तो ऐसे जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको कैसे हम संभाले? इसलिए हम लोग कहते हैं इसको हमको इकोलॉजिकल मॉडल में काम करना पड़ेगा। घर में परिवार में काम करना होगा, कम्युनिटी में काम करना होगा, अलग इंस्टीट्यूशन में काम करना होगा, स्टेट में काम करना होगा। एक चीज और है ना, हम लोग को लगता है कि जो चीजें स्कूल में एजुकेशन में सिखाई जाती हैं वो चीजें घर में तो नहीं सिखाई जाती, तो लोग कैसा करते हैं? एक्चुअली वो चीजें स्कूल में भी नहीं सिखाई जाती। हमने हमने कहा ईमानदारी स्कूल में सिखाई क्या, हमने अहिंसा क्या स्कूल में सिखाई क्या, हमने स्कूल में भी नहीं सिखाई। या स्कूल में बहुत सारी चीजें सिखाई गई थी, वो तो लोगों ने इस्तेमाल नहीं की। तो लोग जो है चुन चुन करके अपने फायदे की चीजें इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए कि छोटे बच्चे पे कंट्रा जरूर है। अगर आप कहते हैं कि घर में बैठ के कोई आया पूछने, कहते हैं कि कह दो कि पापा घर से बाहर हैं, तो बच्चा जाके कहेगा पापा कह रहे हैं कि वो घर में नहीं है, तो क्या मैसेज जाएगा? आप तो झूठ बोलना सिखा रहे हैं, और घर में भी झूठ बोलना सीख रहे हैं, स्कूल में भी झूठ बोलना सीख रहे हैं, वो टीचर भी झूठ बोलना सिखा रहा है उसको लेकर के। तो पूरे पूरे माहौल को बदलना पड़ेगा, मीडिया पे भी एक साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन याद रहे कि केवल एक ही चीज मिलकर के काम नहीं करती है, मीडिया भी काम करती है, स्कूल भी काम करता है, सरकार भी काम करती है, और फैमिली भी काम करता है। तो सभी को एक साथ काम करते रहना पड़ेगा। केवल स्कूल काम करेगा और फैमिली काम नहीं करेगा तो भी शायद नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्कूल काम ना करे इसलिए फैमिली काम ना करे, या फैमिली काम नहीं करती स्कूल में भी काम बंद कर दिया जाए, तो इस पे प्रश्न खड़ा करना होगा। और हम सब लोगों को मीडिया पे भी उसके दूसरे कल्चर तैयार करने पड़ेंगे। कल्चर जो है पूरा टीआरपी बेस्ड, हिंसा पे आधारित, कमाने वाला एग्रेसिव हो गया है, तो उस पे हमको जरूर काम करना। अगर जिंदगी का एक ही उद्देश्य रह गया है, सब कुछ मिलकर के, सब कुछ एक जन के पास आ जाए, तो अपने आप में बहुत बड़ा बहुत कठिन कॉन्सेप्ट है। इसका एकदम सटीक जवाब क्या रहेगा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये शायद सभी लोगों को सोचते रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, अब समय को देखते हुए हम आखिरी दो सवाल लेते हैं क्योंकि आ गए हैं। तो पहले उपमा जी, आप का बहुत समय से हैंड रेज्ड है, आप कुछ पूछना चाहते हैं प्लीज पूछिए। उपमा जी आप म्यूट पे हैं, उपमा जी सॉरी, अभी आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी जी जी। दो चीजें थी आपने जब ये उदाहरण दिए थे, एक तो क्रिकेटर का और अधिकारी और इस तरह के उसमें कैसे आते हैं। हम लोग ट्राइबल एरिया में काम करते हैं और वहाँ एक बहुत बड़ा जो जिन समूह के साथ हम काम करते हैं
और जहां रोज ही हमको मर्दानगी से सामना करना पड़ता है। एक तो पंचायतों में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि 50% रिजर्वेशन है पर अभी भी वो उससे निकले नहीं है। महिलाएं तो वहां पे चुन के आती हैं पर महिलाओं को काम करने का अधिकार नहीं है, और बहुत उसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ती है, महिलाएं चाहती भी हैं। दूसरा है जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो सिंगल वीमेन हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा इस तरह की ये दिखाई जाती है, क्योंकि सिंगल महिला है तो उसको बिल्कुल भी ये नहीं है अधिकार कि वो कहीं जा सके आ सके, अपने हिसाब से अपने बच्चों के लिए वो कोई निर्णय ले सके। तो ये तीन क्षेत्र हैं जिनको हम इस उसमें पूरा कर सकते हैं कि राजनीति बहुत बड़ा एक ये है जहां पर मर्दानगी बहुत ही ज्यादा देखने में मिलती है, और वो पंचायत में सबसे ज्यादा उसका ये होता है। जी करना था उसमें मेरा कोई प्रश्न नहीं है जी, इसका जवाब तो आपने ही दिया है अपने सवाल का। जी जी एकदम सही है कि हमको पंचायत की मर्दानगी पे काम करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लोग ठीक है। तो इसी के साथ हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी सवाल लेने वाले हैं अब हम। तो एक सवाल है कि जो बड़े बड़े हम फिलोसोफर्स की बात करें, जैसे कि रूसो है, ये शिवरंजनी जी का सवाल है, जिन्होंने फ्रीडम हो या इक्वालिटी हो ये सारी चीजों पे बात की है, लेकिन वो भी जस्टिफाई करते हैं बहुत बार मेल डोमिनेंस को। तो उन चीजों का क्या करें हम, क्योंकि हम उनकी बाकी बातों को बहुत अच्छे से मानते हैं, बहुत सराहते हैं हम उसको। देखिए इसीलिए कई बार बात होती रही है बहुत सारे विज्ञान को लेकर के, है ना, और कई हमारे साथी ये बात करते हैं कि विज्ञान अपने आप में बहुत मैस्कुलिन है, विज्ञान भी बायस होता है। डॉक्टर लोगों से कई बार कहते हैं नहीं नहीं वो तो ब्रेन इतना छोटा होता है महिलाओं का, पुरुषों का बड़ा होता है, इसमें इतनी वेन होती है उतनी होती है, और इसका मतलब कि विज्ञान भी बायस, अपने बायसेस हैं, विज्ञान की भी परिभाषित की जाती है, परिभाषा होती है और वो पर्सपेक्टिव से की जाती है, तो इंटरप्रिटेशन होता है। अब अगर आपका इंटरप्रिटेशन ही जो है बेईमानी है, हमको न्याय चाहिए लेकिन न्याय पुरुषों के पक्ष में चाहिए, हमको जो है समानता चाहिए लेकिन पुरुषों के पक्ष में चाहिए, हमको विकास चाहिए लेकिन पुरुषों के पक्ष में चाहिए। तो ये अगर इस पर प्रश्न खड़ा करना होगा, अगर कुछ बहुत जो भी रहे हैं जो प्रकृतिवादी रहे हैं और उन लोगों ने जो कहा कि नहीं माइट इज राइट की जो भी बात की हो, अपने आप में प्रॉब्लमेटिक रहा है, और अगर विज्ञान के नाम पे एक आप जस्टिफाइड करेंगे तो धर्म के नाम पे दूसरा जस्टिफाइड करेगा, और हमारे यहां से जात को भी ऐसे जस्टिफाइड किया गया था। आप कहें कि नहीं पुरुष के बगैर दुनिया नहीं चलेगी, समाज नहीं चलेगा, यह व्यवस्था नहीं चलेगी और यह बहुत जरूरी है, तो ब्राह्मण कहेगा कि ब्राह्मण के बगैर ये बुद्धि नहीं चलेगी, आपको तकलीफ क्यों होती है फिर। यानी हमको जात के आधार पे हमको समानता चाहिए लेकिन जेंडर के आधार पे समानता नहीं चाहिए, हमको वर्ग के आधार पे समानता नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसके नेचर पे ही, जस्टिस के नेचर पे ही प्रश्न खड़ा करना है। जस्टिस अपने आप में बहुत उलझा हुआ है और जस्टिस किसी न किसी के दृष्टिकोण से है, और इसीलिए फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी ने, फेमिनिस्ट फिलोसफर ने, चिंतकों ने, डॉक्टरों ने, रिसर्चर ने एक नई व्याख्या करना शुरू की है और इसलिए उसको चैलेंज किया है। तो मैं कहूंगा कि उसको चैलेंज करने की जरूरत है। दूसरी चीज की सत्य या न्याय अल्टीमेट नहीं होता, वो हमेशा एक्सप्लोर होता रहता है, हमेशा उसकी परत उल्टी उधरती रहती है। हमको देखना है कि हर व्यक्ति का और मुख्य रूप से कमजोर व्यक्ति का पोजिशन बदल रही है कि नहीं बदल रही है, ये हमको प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा। अब मैं सीधा इसी को प्रश्न करता हूं कि जिनको जो जस्टिफाइड हमको करते हैं कि नहीं जेंडर के में पुरुष को तो मानना ही पड़ेगा, तो मैं कहता हूं कि फिर तो जात में भी उनको मानना पड़ेगा, फिर धर्म में भी उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है एक जगह, और यही बात हमने कहा महिलाओं के साथ भी किया था, जब आप बच्चे को डिसिप्लिन के नाम पर मार करके ठीक कर सकते हो, जस्टिफाइड कर सकते हो, तो दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से जस्टिफाइड करेगा। तो हर व्यक्ति का अपना जस्टिफिकेशन है, इस पे हमको प्रश्न खड़ा करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी।
ये आखिरी सवाल लिया था हमने और क्योंकि समय हो गया है तो हम अंत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छा सत्र रहा मेरे लिए, मुझे खास करके सोचने पे बहुत मजबूर किया है इस सत्र ने, बहुत सारी नई चीजों पे मैं सोचना शुरू करूंगी। इसी के साथ मैं फिर से हमारे जो पार्टनर हैं फ्रेडरिक ईबर्ट शिफ्टुंग इंडिया, उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करती हूँ। उनकी वजह से ये सत्र, उनके सपोर्ट की वजह से ये सत्र पॉसिबल हो पाया है। इसी के साथ मैं आप सबको फिर से रिमाइंड करती हूँ, ये हमारा ब्राउन बैग वेबिनार सीरीज का तीसरा सत्र था और दो सत्र आने वाले हैं, इसी तरीके से मजेदार सत्र रहने वाले हैं, मुझे आशा है आप सब जुड़ेंगे हमारे साथ। थैंक यू सो मच सती जी एंड ऑल पार्टिसिपेंट। तो ये आज का सत्र का थैंक यू नोट करने के लिए हमारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन NISD महाराष्ट्र से मंगल जी जुड़े हैं, तो मैं प्लीज मंगल जी को इनवाइट करूंगा। मंगल जी आप प्लीज ये पूरे वेबिनार का थैंक यू नोट शेयर कर सकते हैं। मंगल जी नमस्कार। आज का सेशन था मर्दानगी और सत्ता, तो इसके लिए थैंक यू नोट करने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। मेरा नाम मंगल कदम, मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट महाराष्ट्र में काम करती है संस्था, इसके साथ जुड़ी हुई हूँ और ECF के साथ लास्ट 5 ईयर्स हम जुड़े हुए हैं और बहुत सारे ट्रेनिंग सेमिनार और बहुत सारा इनपुट हमें मिला है इस संस्था से और आगे भी हम काम करने जा रहे हैं। पहला तो सतीन सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा समय निकाला और आज के ये बहुत क्लिष्ट विषय है मेरे हिसाब से, लेकिन आपने बहुत आसानी से इसको हमें समझाया और बहुत सारे उदाहरण और अच्छा प्रेजेंटेशन आपने हमारे लिए बनाया और मैं मुझे विश्वास है कि आज के जो सब पार्टिसिपेंट हैं सभी ने ये बहुत अच्छी तरह से समझा है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी लिखे हैं, मैंने मैसेज बॉक्स में पढ़ा कि फीडबैक भी बहुत अच्छा मिला है और हम जब काम करते हैं तो एक सशक्त समाज बनाने के लिए मर्दानगी किस तरह से महिला और पुरुष दोनों के जीवन में किस तरह से गलत इम्पैक्ट बनाती है और धर्म राजनीति और सत्ता इस सभी को किस तरह से इफेक्ट करती है और हमें जब बदलना है तो हम सब तरफ से किस तरह प्रयास करेंगे, ये बात आज हमें समझ में आई और आपने बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे मतलब फैमिली के छोटे छोटे उदाहरण शेयर किए और आपका जो ऑब्जर्वेशन है बहुत सारे जगह से आपने अनुभव किया, ऑब्जर्वेशंस किया और इसके सारे जो अनुभव आपने हमसे शेयर किए ये इसके लिए बहुत धन्यवाद। और ECF की टीम अंकिता जी, क्रिस्टिना जी, प्रियंका मैम, योगेश सर, आपने ये इतना अच्छा सेशन हमें सुनने के लिए मौका दिया, इसके लिए पार्टिसिपेट करने के लिए हमको मौका दिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और कल का भी सेशन बहुत अच्छा है, मैं आशा करती हूँ कि सब पार्टिसिपेंट कल भी ज्वाइन करेंगे और सब पार्टिसिपेंट इसलिए और सती जी आपका सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ये सेशन समाप्त करने की मैं रिक्वेस्ट कर। थैंक यू सो मच मंगल जी, सतीश जी बहुत बड़ा धन्यवाद फिर से और आप सभी को बहुत बड़ा धन्यवाद जुड़ने के लिए हमारे साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कल के सत्र में भी आप सबसे मुलाकात होगी। कल हमारा यौनिकता पे सत्र रहेगा जो पूर्वा भारद्वाज जी लेने वाली है, तो आप सबसे मिलते हैं फिर कल। आज के लिए धन्यवाद।